हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के स्पेशल सेशन को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारी की सारी सब्सिडीज एक ही पार्ट में। सारी की सारी सब्सिडीज कवर करने वाला हूं, सब समझा दूंगा। इजी है, जो लग रहा है डिफिकल्ट वो एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं, बट आप ऐसे सोच लेते हैं। शुरू करने से पहले एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा। अब बात फिर से वो रिपीट होगी, बट क्या करूं, आप लोगों को गाइड करता हूं, गाइड करना मेरा काम है, तो ये सब भी मुझे बताना पड़ता है। ऋषभ ठाकुर जी लिखते हैं, 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु थॉट आईबीपीएस विल रिपीट ऑल क्वेश्चंस एंड स्टडिंग दैट डेटा ओनली। मैं एक बात आपको बता दूं ऋषभ जी, मैं आपको पर्सनली तो नहीं बोल रहा हूं, मैं सबको पब्लिकली बोल रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं, प्रिडिक्शन मत दिया करो कोई भी। बड़े बड़े लोग पछताते हैं, बाद में दीवार के अंदर सर मारते हैं, पहले प्रिडिक्शन देते हैं और फिर गलत पैद साबित हो जाते हैं। सर प्रिडिक्शन मत दीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर आईबीपीएस ने ही कंडक्ट किया था, और प्रीवियस पेपर में से सर आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 9 क्वेश्चन रिपीट किए थे सर, 9 क्वेश्चन मैटर करते हैं सर, 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। हाँ वो अलग बात है, प्रीवियस इजी थे क्वेश्चन, क्यों इजी थे, क्योंकि वो बच्चों ने डिस्कस कर लिए थे। तो रोड से के साइलेंस फॉर दोज हु आर डिस्कसिंग दैट डेटा, ऑफ कोर्स दे आर डिस्कसिंग यूजफुल थिंग्स। हाँ वो अलग बात है कि आईबीपीएस एएफ होगा, लेवल थोड़ा बड़ा होगा उससे, तो 9 क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, बट 2 भी कर देगा तो आउट ऑफ 60 2 की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये उनसे पूछिए जिनका प्री के अंदर 0.25 से सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बताएंगे भैया 2 के अंदर तो कितना ज्यादा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ सकता था। तो प्रिडिक्शन मत दीजिए, प्रिडिक्शन बहुत रिस्की है सर, लोगों को बुरी लगती है। मैं बोलता हूं तो फ्लो के अंदर बोलता हूं, फिर मैं रुकता नहीं हूं, अब मैं क्लियरली बोलता हूं, लोग प्रिडिक्शन देने बैठे हुए थे कि 40 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, बेचारे वो बच्चे जिनके 35-36 नंबर बन रहे थे ना, वो प्रिडिक्शन के चक्कर में पढ़ाई नहीं करी यार। और बच्चों पे भी गुस्सा आता है और लोगों बोलने वालों पे भी आता है कि तुम ऐसे प्रिडिक्शन, तुम क्या आईबीपीएस हो गया यार, उसे खुद को नहीं पता, अगर उसे ही बताओ तो पहले दिन कट ऑफ दे सकता है ना, बट लोगों ने बोल दिया 40 से अबव जाएगी और कट ऑफ हुई 21। अब लोग सामने नहीं आएंगे इस बात के लिए, बट कैसे बोला तुमने, वो बच्चा जो 33 नंबर के आसपास था वो तो डिमोरलाइज हो गया ना यहां से। मेरी क्लासेस आज नहीं, आज से 2 साल पहले की सुन लेना, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे रहता हूं, कहता हूं हमेशा कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ मत करो, वरना जिनके 33 बन रहे थे बेचारे नेगेटिव हो गए। मुझे कल मैसेज आया कि कैसे 10 दिनों के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज मेरे 33 बन रहे थे, मैंने 40 की कट ऑफ किसी की वीडियो सुनी थी और मुझे लगा मेरा होगा नहीं, तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, और मैंने पहले दिन से चेक कर लेना मेरे टेलीग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, पब्लिक और प्राइवेट चैनल में 1 जनवरी से बोल रहा था पढ़ाई कीजिए, इन सब चक्रों में बिल्कुल मत पढ़िए। हाँ वो अलग बात है कि मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन कड़वा बोलूं चाहे कैसा बोलूं, सिलेक्शन की गारंटी देता हूं सर। कहोगे तो स्क्रीनशॉट शाम को शेयर करूंगा, इंग्लिश में हमारे स्टूडेंट्स के 20 से ऊपर नंबर आए हैं। आप बोलेंगे सर वो तो एक ही होगा, कहो तो 40 स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, 40 है ना, लगभग 43 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 25 में से 18, 19, 20 नंबर लिए, 18 से ऊपर ऊपर सभी के हैं, एंड लोग वो हैं जो 5-5 से नीचे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मेहनत नहीं थी, बट प्रॉब्लम इस लोगों ने टारगेट ही 5 नंबर किया होता है ना, तो 5 टारगेट किया 7.5 ही आएंगे, 20 टारगेट करता 15 आ जाते, तो यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ, गलत जगह पे गलत चीजें डिस्कस करते हैं और फिर मरते हैं, अपना साल खराब करते हैं, अपने आप को सराउंडिंग किया जो आपका एनवायरमेंट है ना उसको ठीक कीजिए सर, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। फिलहाल मैं आगे जाऊंगा और बात करूंगा किसकी, बात करूंगा हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडीज की। किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट होगा तो प्लीज अभी मत लिखिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को आपके डाउट्स, चैट इन बिटवीन पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर यहां पढ़ूंगा तो मैं यहां ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास में आए होंगे तो इस वाले पार्ट के लिए आए हैं, वो कमेंट्स वाले पार्ट के लिए नहीं आए होंगे। तो कोई इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं तो अभी के लिए बचा के रखिए, मैक्सिमम 60-80 मिनट्स लूंगा, उसके बाद आपके 10-15 मिनट के लिए कमेंट्स ही देखूंगा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की, एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करेंगे। सो एग्रीकल्चर सब्सिडीज में सबसे पहले तो कुछ एक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, अलग अलग टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखते जाइएगा। सो जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं सब्सिडीज की, तो सबसे पहले तो 3 टर्म सामने आ जाती है, सब्सिडी, लोन एंड ईएमआई, तीनों में डिफरेंस क्या होता है जब बात करते हैं इनकी, तो क्या बोला गया यहां पे, सब्सिडीज, लोन एंड ईएमआई क्या डिफरेंस है। देखो सब्सिडी और लोन में तो बेसिक सा डिफरेंस है कि सब्सिडी अगर आपको मिल जाती है, सब्सिडी अगर आपको मिल जाती है तो उसको आपको रीपे नहीं करना होता। कैसे,
जैसे सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सब्सिडी मिलती है ना, तो ऐसे जो अलग अलग सब्सिडीज मिलती है, सब्सिडीज आपको रीपे नहीं करनी पड़ती। बट अगर आपने लोन लिया तो लोन आपको रीपे करना पड़ेगा, जहां से भी आपने लिया हुआ है वहां आपको उसे रीपे करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बोला गया ईएमआई, ईएमआई की बात करते हैं, ये क्या होता है? ईएमआई होता है आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ईएमआई क्या होता है? इक्वेटेड या इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स के आपको क्या करना है, एक पैसा जो वापस देना है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वापस देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एक वर्ड आता है बैक एंडेड सब्सिडी, जो आप पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, बिकॉज आजकल ये वाली सब्सिडीज नहीं मिलती है, आजकल आपको बैक एंडेड सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब क्या होता है? बैक एंडेड सब्सिडीज की बात करते हैं जब, तो बैक एंडेड सब्सिडीज वाले केस में क्या होता है, आपको पहले क्या होता था, सब्सिडीज मिल जाती थी। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हुआ और आपको किसी प्रोजेक्ट के अंडर में सब्सिडी मिलनी है, आपने सब्सिडी को अप्लाई किया, बोला मुझे 20 लाख का प्रोजेक्ट चलाना है, उसमें 50% सब्सिडी है, मुझे 10 लाख रुपए दिए जाए, आपको 10 लाख रुपए सैंक्शन असाइन हो जाते थे। बाद में क्या होता था, अब 10 लाख रुपए तो आपने ले लिए, लेकिन उस 10 लाख को सही से यूज करोगे या नहीं करोगे ये तो पता नहीं था, तो लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन कर लेते थे। तो तब से सब्सिडीज को बंद किया गया और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, किसका? बैक एंडेड सब्सिडी का, जिसका मतलब होता है पहले प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट डेवलप कीजिए, उस पे 20 लाख रुपए लगाइए, जब 20 लाख रुपए लगा दोगे उसके बाद 10 लाख की सब्सिडी ले लेना। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगाने के बाद जो सब्सिडी आपको दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बैक एंडेड सब्सिडी कहा जाता है, राइट। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट की बात करते हैं। यहां पे जब आपको सब्सिडी बताएगा ना तो वो बोलेगा 40% जनरल स्टेट में, 50% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो 8 स्टेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद 3 स्टेट है जो आपके हिली स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और आपका हिमाचल है। नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर 8 स्टेट की बात करूंगा, तो आप लोग पहले से सेवन सिस्टर के नाम तो जानते होंगे, आसाम हो गया, सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल है, नागालैंड है, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीलिंग अमाउंट क्या होता है, वो आपको सब्सिडीज के अंदर बोलेगा कि 50% की सब्सिडी मिलेगी सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम रुपीज ऑफ 2 लाख 4 लाख 5 लाख। ये जितना भी लिखेगा ना, ये सीलिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 50% सब्सिडी मिलनी है ना, मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मुझे जरा बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि 5 लाख रुपए मेरा क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट और 50% सब्सिडी है तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे पता आप लोग इजीली बता देंगे। अब क्या हुआ, आपने मुझे बता दिया कि 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब मान लो कि उस सब्सिडी के अंदर में जो मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट है वो 3 लाख का है, ठीक है। तो जिस बंदे ने 6 लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगाए उसको सब्सिडी मिलेगी 3 लाख। अब जिसने 8 लाख रुपए लगाए, क्या मुझे बता सकते हो अगर सीलिंग अमाउंट 3 लाख का है, सब्सिडी 50% की है, जिस बंदे ने प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपए लगाए उसे कितने मिलेंगे, क्या बता सकते हैं? जिसने 8 लाख रुपए लगाए हैं उसे सब्सिडी कितनी मिलेगी? अब समझदार लोग हैं, सब समझ गए कॉन्सेप्ट को। आप बोल रहे हैं सर फिर से 3 लाख मिलेगी, एक बच्चे ने 4 लाख लिखा, बेटा वो गलत है। 4 लाख क्यों? क्योंकि सीलिंग अमाउंट ही 3 लाख है, 3 लाख से ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो 8 लाख वाले को भी 3 लाख मिलेगा, 10 लाख लगाया तब भी 3 लाख मिलेगा, और 6 लगाया तब भी 3 मिलेगा, बट हाँ 5 लगाया तो फिर 3 नहीं, फिर 50% मतलब 2.5 लाख मिलेगा। तो सीलिंग अमाउंट का यही मतलब होता है कि मैक्सिमम परमिशेबल सब्सिडी कितनी है, कितना अमाउंट आपको मैक्स टू मैक्स उसके अंडर में मिलेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे जी सब्सिडी कैलकुलेशन। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अभी आपने मुझे कैलकुलेट करके बताई है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना है उसके हिसाब से आपकी जितने परसेंट है वो टोटल कॉस्ट पे सब्सिडी कैलकुलेट हो जाएगी। बेनिफिशियरी वर्ड का मतलब आप सारे लोग जानते हैं, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? जिसको बेनिफिट मिलेंगे, जिसको बेनिफिट मिलेंगे। मैं YouTube पे जितने भी लेक्चर करवा रहा हूं मैं सबकी PDF शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, प्लीज लिखिए मत, मैं टेलीग्राम पे PDF डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट कुछ एक एक्रोनिम की बात कर लेते हैं जो आगे यूज होने वाले हैं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि सब्सिडीज डिफिकल्ट है। जब मैं PPT देख रहा था मुझे लग रहा था यार इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन डेटा थोड़ा सा है, याद तो करना पड़ेगा, तो और चीजों का आसान बना लेते हैं। वहां पढ़ेंगे सब्सिडीज जो है ना वो अलग अलग कंपोनेंट के अंदर मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके अंडर में सब्सिडीज दी जा रही है।
तो सब्सिडी की जब बात करेंगे, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके कहाँ पे, इंटरव्यू के अंदर, कि ये सब्सिडी अगर फार्मर को लेनी है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा। सर अगर फार्मर को लेनी होगी ना, सो फार्मर वाले केस में क्या होगा, फार्मर को सब्सिडी लेने के लिए नियर बाय जो एग्रीकल्चर ऑफिसर एरिया का उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जिस कंपोनेंट के अंदर सब्सिडी है उसके नोडल सेंटर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर वो NHB दे रहा है तो उसका नोडल सेंटर आ जाएगा, अगर NABARD दे रहा है तो NABARD से रीजनल सेंटर में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, अगर कोई और कंपोनेंट दे रहा है तो उससे रिलेटेड जो है वहां पे आपको विजिट वहां पे आपको विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अलग अलग कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आपका NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो अक्टूबर 2007 में हुआ, जो सीरियल्स पे ज्यादा फोकस करता है, सासल पल्सेस पे भी फोकस करता है, उसमें हो सकता है। BGRI की बात करेंगे तो ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ये काफी लेट आई है स्कीम, 2008-2009 के आसपास आई है। क्यों आई हुई, 1965 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ना वो नॉर्थ इंडियन स्टेट के अंदर आई थी, है ना, ईस्टर्न में नहीं आई थी, है ना, यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ये सब बहुत बेनिफिटेड हुए उसे, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं हो पाए, तो उनके लिए अलग से स्कीम आई। फिर आपका NHM कंपोनेंट आ जाएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फोकस करता है। फिर एक लेटेस्ट मिशन आ जाएगा MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014 के अंदर आया, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है कि हॉर्टिकल्चर पूरे के पूरे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद HMNEH, ये कौन है, हॉर्टिकल्चर मिशन किसके लिए है, ये नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट। अभी अभी आपको बताए थे कि जब नॉर्थ ईस्टर्न बोलेगा तो समझ जाना 8 तो नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहा है और 3 आपके हिमालयन स्टेट की बात कर रहा है। उसके बाद RKVY कंपोनेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 के अंदर आया। NMSA हो जाएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बातें नहीं करता, ये एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने की बातें करता है, मतलब इस तरह का एग्रीकल्चर हो जिसे लंबे टाइम तक चलाया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग की बातें ये करेगा, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की बातें करेगा, अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये लेके जाएगा, ये भी एक कंपोनेंट होगा। ओके, आगे बोला गया PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये तो सब लोग ही जानते हैं। फिर बोला SMF, ये भी एक वर्ड आएगा, SMF का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, क्या होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का मतलब क्या हो गया, वो फार्मर जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की लैंड है, बिकॉज मार्जिनल बोलूंगा तो वो कौन होते हैं, लेस देन 1 वाले, और स्मॉल फार्मर बोल दूंगा तो वो कौन से होते हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर वाले। तो ये एक्रोनिम्स हम आगे यूज करने वाले हैं, मैं आगे जाके फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, अभी के लिए फटाफट से नजर मार लीजिए, ये वर्ड आएंगे सारे, ये सारे की सारी क्या है, ये आपकी ये आपके कंपोनेंट्स हैं जिनके अंडर में आपको क्या मिलेगी, आपको यहां पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, अभिलाषा कहती है प्लीज से नंबर इन इंग्लिश, ओके आई टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी, सो इन केस ऑफ नंबर आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, परफेक्ट। आगे मूव करते हैं, एक्रोनिम्स हमने पढ़ लिया, एक्रोनिम के बाद अब आ जाती है सब्सिडीज, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सब्सिडीज है बहुत इजी पार्ट है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आधी एक तो मैं आपको सेशन में याद करवा के चला जाऊंगा, आधी एक आप दोबारा से रिवीजन में याद करिएगा, लेकिन सब्सिडी बहुत आसान है। जब जब सब्सिडीज की बात आई है ना, लोगों ने मुझे सब्सिडीज का बोला है NMSA के अंडर में, है ना, NMSA के अंडर में, और मुझे लगता है सारी सब्सिडीज में सबसे आसानी NMSA की है। आप बोलेंगे कैसे सर, आप तो कुछ भी कह देते हैं, जरा सा वेट कीजिए दिखाता हूं, पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आ गया टाइप ऑफ असिस्टेंस, कि आपको जो सहायता मिल रही है, जो सब्सिडी मिल रही है वो मिलेगी किस पे। फिर बोला क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंस और मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट सीलिंग अमाउंट, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना आपको बेनिफिट उसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया स्कीम और कंपोनेंट के कौन से कंपोनेंट के अंदर में आपको वो मिलने वाला है, है ना यार, क्या ये ब्लर है, वैसे नहीं है मुझे पता है, है ना, क्या ये ब्लर दिख रहा है क्या, यस और नो लिखना, क्योंकि ये तो 4K कैमरा है यार, आपका इंटरनेट स्लो होगा तो आई कैन नॉट हेल्प यू। कभी कभी मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे मुझे प्रॉब्लम तो लिखते हैं लेकिन क्या ये ब्लर है, इफ इट इज ब्लर देन यस लिखना, नहीं हो तो फिर नो लिखना, बच्चों खुद देख लेना यार, आपके फोन की साइड से प्रॉब्लम है ना, उतना सा तो फिर आपको इंटरनेट फास्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये छोटा छोटा है, ब्लर नहीं है सर, देखिए परफेक्ट, आपका इंटरनेट स्लो है तो वो कंप्रेस करता है डेटा को, वो तो यूट्यूब का फीचर आपको समझना पड़ेगा, है ना, यूट्यूब की सेटिंग के अंदर ऑटो करा होता है, ऑटो का मतलब स्पीड के हिसाब से वो एडजस्ट करता है, तो सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी कीजिए, बिकॉज ये डेटा है छोटा छोटा है,
विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत तो करेगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत जो हो रही है वो सर उसके कारण हो रही है कि आप उसको ऑटो से हटा के ना सेटिंग मोड में जाके उसको हाई क्वालिटी कर दीजिए, काम चल जाएगा जिनको भी दिक्कत आ रही है। ओके, बाकी मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, डोंट वरी। सो टाइप ऑफ असिस्टेंस होगा क्राइटेरिया, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है और उसके बाद किस स्कीम के अंडर में आता है। तो सबसे पहले बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन और सोयल एम्ल्यूरेंट्स, मतलब भूमि सुधार, जो मृदा सुधार है उसके लिए और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके लिए आपको 2500 रुपए एक हेक्टेयर के मिलेंगे किस स्कीम के अंडर में, सोयल हेल्थ कार्ड के अंडर में। उसके बाद सेकंड इसका कंपोनेंट आ गया सप्लाई ऑफ जिप्सम पायराइट एंड डोलोमाइट, क्योंकि सोयल एम्ल्यूरेंट्स की बात करोगे तो ये भी तो मृदा सुधारक ही है। जिप्सम की बात करोगे अल्कलाइन सोयल के अंदर डालते हैं ना, लाइम की बात करोगे तो एसिडिक सोयल के अंदर डाला जाता है, तो सोयल सुधारक है, मृदा सुधारक है। इस पे कितना 50% की सब्सिडी मिलेगी जितना आपका कॉस्ट आया प्लस ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ के, लेकिन लिमिटेड है, मिलेगा कितना 750 रुपए पर हेक्टेयर का मिलेगा। ये किसके अंडर में, एनएफएसएम के अंडर में है, राइट। उसके बाद सप्लाई ऑफ जिप्सम, फिर क्या आ गया आपका फॉस्फो जिप्सम, फिर क्या आ गया आपका बेंटोनाइट सल्फर, वीट और पल्सेस के केस में। क्यों वीट और पल्सेस, क्योंकि ये देने कौन वाला है आपका एनएफएसएम बीजीआरआई देने वाला है, तो ये लोग फोकस करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने पे, तो उसके लिए जो चाहिए उस पे सब्सिडी दे देंगे। तो सब्सिडी कितनी दे रहे हैं, 50% ऑफ द कॉस्ट लिमिटेड टू 750 पर हेक्टेयर। अब देखो दोनों के केस में कलर मैंने इसीलिए सेम किया हुआ है बिकॉज दोनों में सेम है, आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। वो जिप्सम है, पायराइट है, लाइम है, डोलोमाइट है, फॉस्फो जिप्सम है, बेंटोनाइट है, कुछ भी है, 50% कॉस्ट आपको, 50% कॉस्ट पे सब्सिडी है और आपका 750 पर हेक्टेयर है, दोनों केस में सेम है, आपको याद हो गया, ठीक है। आगे चलता हूं, ये तो याद हो गया ना भैया, सोयल मृदा सुधारक जो है सोयल हेल्थ कार्ड के अंडर में 2500 पर हेक्टेयर है और आपका एनएफएसएम और आपका जो बीजीआरईआई है उसके अंडर में 50% कॉस्ट पे सब्सिडी है और साथ साथ 750 पर हेक्टेयर, 750 रुपए एक हेक्टेयर पे आपको मिलेंगे। क्या ये याद हो गया, यस और नो? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट राइस व्हीट पल्सेस और न्यूट्री सीरियल की बात करेंगे तो यहां पे 50% ऑफ द कॉस्ट लिमिटेड टू 500 पर हेक्टेयर। अब 750 नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा आपको, अब आपको यहां पे 500 पर हेक्टेयर मिलेगा, लेकिन हाँ परसेंटेज के अंदर सेम है, कंपोनेंट सेम ही चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट लाइमिंग मटेरियल के लिए, राइस एंड पल्सेस के लिए कितना मिल जाएगा वहां पे, 50% ऑफ द कॉस्ट और लिमिटेड टू पर हेक्टेयर कितना है आपका, 1000 रुपए पर हेक्टेयर है, 1000 रुपए पर हेक्टेयर आपको राइस एंड पल्सेस के लिए मिल रहा है। आप बोलेंगे सर लाइमिंग के लिए पहले तो आपने 750 बताया, तो वो ओवरऑल बोल रहा है एनएफएसएम के अंडर में और यहां पे किसके लिए बोल रहा है, राइस एंड पल्सेस के लिए है, तो फिर कितना 1000 रुपए एक हेक्टेयर का मिल गया। डिफरेंस समझिएगा दोनों का, वहां पे ओवरऑल बोल रहा है, यहां स्पेसिफिकली राइस और पल्सेस के लिए लिख रहा है, ठीक बात है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देखिए कोस्ट की बात चल रही है, मैंने बोला कि मैं जिप्सम लेके आया हूं एक हेक्टेयर के लिए, मेरे 2000 रुपए लग गए और लाने का मेरा 200 रुपए आ गया, तो 2000 + 200 दोनों को एक साथ काउंट किया जाएगा, 2200 यानी 2200 रुपीज कंसिडर किए जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है वो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, उसके बेस पे आपको 50% की या फिर जो पर हेक्टेयर लिखा गया उसकी सब्सिडी मिल रही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आ गया जी बायो फर्टिलाइजर के लिए, किसके लिए, पल्सेस न्यूट्री सीरियल्स के लिए। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो बायो फर्टिलाइजर्स वाले केस में क्या हुआ, 50% की सब्सिडी, अगेन देखो परसेंट तो वही चल रहा है और पर हेक्टेयर कितना मिलेगा, 300 रुपए, कंपोनेंट सेम चल रहे हैं। आगे चलते हैं, अब कंपोनेंट अलग हो जाएंगे, सब्सिडीज अलग हो जाएंगी। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जैविक खेती में जाना है, तो क्या जैविक खेती के लिए मेरे पास कुछ सब्सिडीज है, यस ऑफ कोर्स। 10th, ये ध्यान से पढ़ना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है ना। इसने क्या बोला, 10,000 रुपए पर हेक्टेयर मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको NHM और आपका HMNEH जो है ये सब्सिडी देगा, कितने की, 10,000 रुपए हेक्टेयर की। और मैक्स टू मैक्स आप कितने के लिए बेनिफिट ले सकते हैं, 4 हेक्टेयर के लिए एक बेनिफिशियरी, मतलब एक बंदा ले सकता है, लेकिन ये मिलेगा 10,000 रुपए एक हेक्टेयर कितने टाइम में, 3 साल के अंदर, पहले साल 4,000 रुपए और फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे साल 7,000 रुपए, तो 4,000 पहले साल आ गए, 3,000 दूसरे साल आ गए,
3,000 रुपए तीसरे साल आगे, तो टोटल आपको पर हेक्टेयर कितना मिल गया? 10,000 रुपए। और मैक्स टू मैक्स कितने हेक्टेयर के लिए मिलेगा? 4 हेक्टेयर के लिए। किसकी बात होगी? ऑर्गेनिक फार्मिंग की। किसके अंडर में? NHM के अंडर में। कंपोनेंट रिपीट हो सकता है दोबारा से, है ना, मतलब जो सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर से आ सकता है, लेकिन यहां कंपोनेंट बदल जाएगा। तो अभी NHM कहता कि मैं क्या करूंगा, मैं 10,000 रुपए दूंगा 1 हेक्टेयर पे, और मैक्सिमम एक बंदे को कितने पे दूंगा? 4 हेक्टेयर पे, और 3 साल के अंदर दूंगा 4, 3 और 3। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट वाला गया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। देखो सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है, आपको पता है ना, आज के टाइम में कोई प्रोडक्ट आप लेंगे ना, अगर उसका ब्रांड नेम आपने सुना हुआ है तो विश्वास है उस पे। नया ब्रांड है वो चाहे अच्छा भी होगा, लेकिन नाम नहीं सुना तो विश्वास नहीं। बट हमने देखा अच्छा FSSA का स्टैंप लगा हुआ है, या ISI का लगा हुआ है, या फिर उस फील्ड के अंदर जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसने सर्टिफाई किया है ना, तो वी आर लाइक ठीक है यार ले लेते हैं, ये अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेशन पे विश्वास है। तो जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी चाहिए होगा। तो इफ यू नीड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वहां पे भी आपको सब्सिडी है। कितनी? ₹5 लाख फॉर अ क्लस्टर ऑफ 50 हेक्टेयर। क्लस्टर का मतलब क्या था? ग्रुप। ग्रुप कैसे सर? 50 हेक्टेयर तो जमीन किसी के पास होगी नहीं, तो तभी तो क्लस्टर बनाना पड़ेगा कि मिलके क्लस्टर बना लो, 5, 7, 10, 15, 50 लोग, 50 हेक्टेयर जमीन ले लो, मतलब वो तो आपकी ही है ना। तो 50 हेक्टेयर के लिए आपको क्या करवाना है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, और उसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए 5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, जिसमें कहता इंक्लूड करेगा 1.5 लाख फर्स्ट ईयर के अंदर, 1.5 लाख इन फर्स्ट ईयर, 1.5 इन सेकंड ईयर, एंड 2 लाख इन थर्ड ईयर। तो 1.5, 1.5, 3 एंड 2.5, तो टोटल इट विल प्रोवाइड यू 5 लाख रुपीस सब्सिडी फॉर द 50 हेक्टेयर एरिया। What? It's not for organic farming, it's for organic certification. Farming के लिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पर हेक्टेयर आपको दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये सब्सिडी जो है ये कौन दे रहा है? आपकी NHM या फिर HMNEH किसके अंडर में? MIDH के अंडर में। होप सो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे चलता हूं। हाँ, परंपरागत कृषि विकास योजना में अलग है, मैंने पहले ही बोल दी वाली बात कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात MIDH के अंडर में चल रही है, NHM के अंडर में चल रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं और आएगी तो सब्सिडीज बदल सकती है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, बस याद कर लो कि NHM 10,000 रुपए 1 हेक्टेयर का दे रहा है, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर का देगा। याद हो गया, झंझट ही खत्म। आगे चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट आपको बनानी है तो वहां पे आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, 50% की, 50% की उसके कॉस्ट के ऊपर। और कितनी मिलेगी? ₹1 लाख फॉर यूनिट परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए, एंड इफ इट इज HDPE, वो जो पॉलीथीन की शीट लगा के बना लेते हैं वर्मी कंपोस्ट बेड, है ना, तो वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। तो इनकेस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर 16,000 मिलेगा, इनकेस ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर 1 लाख मिलेगा। कॉस्ट पे कितने परसेंट की सब्सिडी है? 50% की। राइट, स्कीम कौन सी है? वही सेम चल रही है आपकी MIDH के अंडर में। आगे चलता हूं। नेक्स्ट कौन आ गया जी? नेक्स्ट आ गया प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM। INM की बात करते हैं। किसी ने प्रोजेक्ट किसी ने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि प्रोजेक्ट बेस का मतलब क्या हो गया? सर, प्रोजेक्ट बेस का मतलब ये हो गया कि किस कंपोनेंट के अंदर बंदा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तो तब होगा ना जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड है सर, वेरी करता है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट आ गया प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी आगे रिपीट होगा, लेकिन हाल फिलहाल किसके अंडर में? MIDH के अंडर में। तो 1200 पर हेक्टेयर आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम कितने हेक्टेयर के लिए? 4 हेक्टेयर के लिए। देखो जो भी सब्सिडी दे रहा है, मैक्सिमम लिमिट लगा दे रहा है 4 हेक्टेयर पे, बाकी अमाउंट अलग अलग है ना। तो 1200 पर हेक्टेयर और मैक्सिमम अप टू 4 हेक्टेयर आपको मिलेगा। रेक्लामेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉयल, प्रॉब्लमेटिक सोयल मतलब जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उनके रेक्लामेशन में अगर आप करोगे, तो रेक्लामेशन वाले कलर में क्या आपको केस में क्या करना है? एल्केलाइन और सलाइन सोयल है, तो उस केस में कितना आपको मिलेगा? 60,000 पर हेक्टेयर। एसिडिक सोयल में ज्यादा खर्चा नहीं आता, वहां कितना मिलेगा? 15,000 पर हेक्टेयर। और ये जो पैसा आपको मिलेगा ना, इसमें सब्सिडी होगी, सब्सिडी मतलब आपको तो सब्सिडी मिलेगी इतनी, लेकिन इसमें शेयरिंग है किसकी? 90:10 की बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। किसके केस में? नॉर्थ ईस्टर्न वाले और हिमालयन स्टेट में, कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% ये खुद देंगे स्टेट।
60-40 होगी किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, किस में, अदर देन दी स्टेट, मतलब हम जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है ना, ये सब स्टेट के लिए बोलेंगे तो 60 सेंटर देगा, 40% जो है इसमें से ये स्टेट को देना पड़ेगा। ये स्टेट और सेंटर की शेयरिंग है, लेकिन बेनिफिशियरी को एसिडिक सोइल के लिए 15,000 जबकि एल्केलाइन सेलाइन के रिक्लेमेशन के लिए 60,000 पर हेक्टेयर मिलेगा। कंपोनेंट बदल चुका है, ये कंपोनेंट कौन सा है, दिस इज RKVY के अंडर में ये आपको मिलेगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाला क्या, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स अगर आपको लेने हैं जैसे कि इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, बायोपेस्टिसाइड, ये वो सो जब है, इस पे भी 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 500 रुपीज पर हेक्टेयर। कितनी मिलेगी, 500 रुपीज पर हेक्टेयर की मिलेगी, किसके अंडर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन MSNFSM के अंडर में ये सब्सिडी मिलेगी प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स के लिए, 50% 500 रुपए पर हेक्टेयर। आगे आ जाते हैं जी, अब चेंज हो गया कंपोनेंट, बोला वाटर मैनेजमेंट किसके अंडर में, नमसा के अंडर में, वाटर मैनेजमेंट अंडर नमसा। नमसा की जब बात करते हैं, ये कौन है, शुरू में बता दिया आपको, है ना, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये भी आएगा कि पानी को कम यूज करो, पानी खत्म नहीं होगा तो पानी को लंबे टाइम तक यूज कर पाओगे, और पानी को लंबे टाइम तक यूज कर पाओगे तो उस केस में क्या है, पानी को कम यूज करना पड़ेगा। तो देखो, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, वाटर हार्वेस्टिंग है, अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी तरफ लेके जा रही है ना, तो NSM में उसी की बात कर रहा है ना। तो क्या बोला यहां पे, इसने बोला कि ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा 55% का SMF यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, और अगर स्मॉल एंड मार्जिनल नहीं है, 2 हेक्टेयर से बड़ा एरिया लेके बैठा हुआ है, तो फिर उसको 45% का मिलेगा सब्सिडी। स्प्रिंकलर वाले केस में सेम सब्सिडी है, 55% 45%। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर आपको लगाना है तो यहां पे 50% की सब्सिडी मिलेगी। कितनी, 75,000 रुपए प्लेन एरिया के लिए, हिली में लगाना थोड़ा मुश्किल है, खर्चा ज्यादा आता है, तो उन लोगों को कितना मिलेगा, 90,000 रुपए मिलेगा एक यूनिट के लिए जो आपने किसके लगाई है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। यस और नो लिखो, क्या नमसा के अंडर में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सब्सिडी कितनी होती है, याद हो गई, मुझे तो हो गई, मैंने भी याद तो नहीं की थी लेकिन अब मुझे हो गई कि प्लेन में लगाऊंगा तो 75,000 रुपए, हिल के अंदर लगाऊंगा तो 90,000 रुपए, और सब्सिडी लेनी है स्प्रिंकलर और ड्रिप पे तो 55% स्मॉल एंड मार्जिनल के लिए और 45% अदर कैटेगरी के लिए। फटाफट से यस लिख दिया करो, हाथों के अंदर एनर्जी और बॉडी के अंदर ना एक काइंड ऑफ क्या एनर्जी होनी चाहिए कि फटाफट से बस दिमाग इतना रेडी है, याद हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। अगर बेड पे लेट के पढ़ रहे होगे तो भैया याद नहीं होगा, उठ के बैठ जाइए। अगर आज ठंड आपके यहां पे ज्यादा है, कंबल वंबल लेके बैठे हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बैठिए, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आ गया जी बी कीपिंग, किसके अंडर में, अगेन हॉर्टिकल्चर की बातें आएंगी, MIDH आ गया यहां पे भी, है ना। सो बी कीपिंग की बात करते हैं, बी कीपिंग वाले केस में क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्टोक, न्यूक्लियर स्टोक मतलब जिससे भाई साहब आगे काम चलाओगे, न्यूक्लियर स्टोक का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए काफी खर्चा आपका आ जाएगा, तो देखो काफी पैसा भी आपको मिलता है। बोला यहां पे ₹20 लाख पर प्रोजेक्ट किसको मिलेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलेगा या फिर पब्लिक सेक्टर को मिलेगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस कम है, आ सकता है, प्रेडिक्शन मैं देता ही नहीं, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगा इतनी कटव जा सकती है, क्यों, क्योंकि बाद में पंगे हो जाते हैं भाई साहब, है ना, तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इससे आने के चांसेस कम क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स को मिल रही है, तो एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपको देनी नहीं पड़ेगी ना, या फिर आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी ये सब, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट को जा रही है, तो यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, लेकिन बेनिफिशियरी की बात करेगा ना, वहां डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट वाला, प्रोडक्शन ऑफ बी कॉलोनीज बाय बी ब्रीडर, तो ये काइंड ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड है ना, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई कॉलोनीज जो अगर आपको प्रोडक्शन करनी है बी ब्रीडर को, तो उसको 40% कॉस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी, एक प्रोजेक्ट पे 4 लाख की सब्सिडी मिलेगी, व्हिच एवर इज लेस, का मतलब क्या हो गया, देखो 40% का मतलब क्या हो गया, अगर मेरा प्रोजेक्ट 10 लाख का है तो बदले में मुझे 4 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट ही अगर 5 लाख का हुआ तो बदले में 2 लाख ही तो मिलेगा, तो बोला व्हिच एवर इज लेस, तो 4 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट में मिलेंगे, लेकिन छोटा प्रोजेक्ट है तो 4 लाख से कम पे मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 फ्रेम बी कॉलोनीज, उसके अंदर क्या बोलता है, उसके अंदर बोला
50 बी कॉलोनीज पर बेनिफिशियरी, एक बेनिफिशियरी कितनी, 50 बी कॉलोनीज पे 8 फ्रेम बी कॉलोनीज है, और सब्सिडी जो है देखिए अगेन गड़बड़ नहीं करता यार, परसेंटेज सेम लेके चल रहा है, 40% पर सेट ऑफ बी कॉलोनीज में कितना मिल गया आपको, 800। देखो अमाउंट तो चेंज होगा लेकिन परसेंटेज MIDH के अंदर में, बी कीपिंग के अंदर 40% ही वो बोल रहा है, देखो आगे भी 40% ही बोल रहा है, कहीं दिक्कत ही नहीं है, सब्सिडीज बहुत ईजी है। बस सब्सिडीज कुछ इस तरह से है कि घर के अंदर सामान को अगर तो मम्मी रखती है तो बड़ी जल्दी मिलता है, क्यों वो टिकाने पे रखती है, और अगर हमने रूम ले रखा है ये उधर फेंका ये उधर फेंका तो मिलता नहीं है, तो सब्सिडी दिमाग में अगर ऐसे भर लोगे ना, यहां पड़ी है वहां पड़ी है तो याद नहीं होगा, लेकिन सिस्टमेटिकली लेके चलोगे ना तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार, सब सेम सेम चल रही है। तो नेक्स्ट चीज ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन किसका, बी हाइव का, सुपर सेट एक्सेट्रा, बी हाइव मतलब बी हाइव के लिए है ना, बी हाइव मेनली कितना, 50 बी हाइव पर बेनिफिशियरी के लिए मिलेगा 40% और 800 पर सेट ऑफ बी हाइव, पीछे भी यही वाला था। फिर बोला बी इक्विपमेंट की बात करेंगे, वहां भी आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी और 8000 पर सेट पर बेनिफिशियरी की यहां पे सब्सिडी आपको मिल जाएगी। परसेंटेज के अंदर बी कीपिंग की बात करेगा, सो बी कीपिंग वाले केस में क्या हो जाएगा, बी कीपिंग वाले केस में आपको 40% की ही है अमाउंट, आपने अलग अलग देख लिया होगा। आगे चलूंगा बी कीपिंग के बाद नेक्स्ट किस पे आ जाऊंगा, नेक्स्ट बात करेंगे मशरूम की, मशरूम वाले केस में कौन आ गया जी, मशरूम की बात करेंगे तो यहां मशरूम प्रोडक्शन की बात करेंगे, सब्सिडीज कौन दे रहा है, सेम कंपोनेंट आपको यहां पे भी सब्सिडीज दे रहा है सर, सेम कंपोनेंट का मतलब जो पिछला कंपोनेंट था भाई साहब है ना, उसी के अंडर में ये वाली सब्सिडीज हमारी चल रही है। तो इसने बोला प्रोडक्शन यूनिट वाले केस में 100% सब्सिडी है अगर तो पब्लिक सेक्टर कर रहा है, अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो फिर उनको सब्सिडी कितनी है, 40% की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 20 लाख रुपए एक यूनिट पे। फिर बोला स्पोन मेकिंग यूनिट में भी सेम सब्सिडी है, पब्लिक सेक्टर करेगा तो 100% है, प्राइवेट करेगा तो 40% है, बस वो ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्शन यूनिट में 20 लाख रुपए है, जबकि स्पोन मेकिंग में जाओगे तो फिर कितना आपको 15 लाख रुपए एक यूनिट के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपोस्ट मेकिंग वाले केस में सेम सब्सिडी है, भाई साहब कुछ चेंज कर ही नहीं रहा है ना, और देखो ये फिर से प्रोडक्शन यूनिट वाली आ गई, कंपोस्ट मेकिंग के लिए भी कितना आपको 20 लाख रुपए, क्या याद करना पड़ा इसमें यार है ना, कुछ याद करना पड़ा क्या, सीधी सी तो बात है यार, 100% और 40% प्रोडक्शन यूनिट है तो 20 लाख रुपए, उसके अलावा अगर आपका कंपोस्ट मेकिंग है तो 20 लाख रुपए, स्पोन मेकिंग यूनिट है तो 15 लाख रुपए, दैट्स इट, सब्सिडी कंप्लीट होगी ये वाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ गया, प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM पहले भी आया था, IM फिर भी आ गया, लेकिन अब की बार कंपोनेंट अलग है सर, तो यहां पे बोलता है INM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और IPM यानी कि आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करेंगे तो उस केस में सब्सिडी क्या है, सब्सिडी INM और IPM के लिए कितनी, 30%। आप बोलेंगे सर अब तो 40 नहीं है, तो मशरूम की बात नहीं चल रही, अब चेंज हो गया है ना, तो 30% ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1200 पर हेक्टेयर, लिमिटेड टू 4 हेक्टेयर पर बेनिफिशियरी, तो मैक्स टू मैक्स 4 हेक्टेयर के लिए मिलेगी, 1 हेक्टेयर में कितनी मिलेगी, 1200 रुपए। फिर कहता है डिजीज फोरकास्टिंग यूनिट के लिए कितना, 100%। एक चीज ये भी देखना, जिन चीजों की गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत है, जो नहीं होती है ना, उन पे गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी देती है, कैसे सर, जैसे बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हर बार ज्यादा बेनिफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनके पास उतना डेवलपमेंट नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड का, उसको कंपेयर करता हूं पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो प्रोडक्शन पंजाब हरियाणा यूपी के पास है, वो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल के पास नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे प्रमोट करना चाहती है, उनको ज्यादा सब्सिडी देगी, इन स्टेट को कम देगी। डिजिटल फोरकास्टिंग यूनिट वैसा ही कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंडिया में, बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ आएगा तो गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। व्हाई, बिकॉज जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे आपके डिजिटल फोरकास्टिंग की, तो ऐसा कुछ आएगा तो फार्मर के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्या करना, कल्टीवेशन करना, सिर्फ इससे नहीं, ऐसे ऐसे नए नए स्टार्टअप से, जैसे स्टार्टअप की बात कोई बंदा कर भी रहा है यहाँ पे है ना, बिल्कुल आप साहिल जी ठीक बोल रहे हैं। तो डीजल फोरकास्टिंग यूनिट वाले केस में पूरी की पूरी सब्सिडी है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 6 लाख रुपए, मतलब आपकी जो क्या है फोरकास्टिंग यूनिट 5 लाख के अंदर बनी है ना, तो 5 का 5 आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपकी बनी ही 15 लाख के अंदर है तो फिर आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 6 लाख रुपए ही मिला जाएगा। कंपोनेंट MIDH के अंदर में ही है, बायो कंट्रोल लैब के लिए कहता है पब्लिक सेक्टर को 100% है, प्राइवेट सेक्टर को कितना, 50% की सब्सिडी है,
भाई साहब तगड़ा अमाउंट इसमें मिलेगा, बिकॉज बायो कंट्रोल लैब। ये बायो कंट्रोल लैब क्या होता है? बायो कंट्रोल लैब का मतलब क्या हो गया कि हम बीमारियां कंट्रोल तो करते हैं, केमिकल मेथड से कर लेते हैं, है ना। केमिकल के अलावा एक मेथड हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड होता है, जहां पे हम बायो कंट्रोल एजेंट को यूज करते हैं, जैसे जाइगोग्रामा बाइकलोराटा। क्या मुझे बताएंगे, जाइगोग्रामा बाइकलोराटा जो है मैक्सिका से बिलोंग करता है, मैक्सिको से, ये कौन से वीड के ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देता है, किसका ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, ये नाम आप मुझे बता दो। साथ साथ आप समझ गए। तो इसी तरीके से नए नए बायो कंट्रोल एजेंट को डेवलप करेगी ये कंट्रोल लैब और लेके आएगी खेतों के अंदर। तो कुछ केमिकल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, ऊपर से आ गया, बस देखा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कांग्रेस ग्रास पार्थी नियम, गाजर घास है ना, या फिर फेमिन वीड इसे कह दीजिए। तो इसको कंट्रोल करता है जाइगोग्रामा बाइकलोराटा। वैसे ही बायो कंट्रोल लैब कहता है 100% देंगे पब्लिक को, 50% देंगे प्राइवेट सेक्टर को, एक यूनिट पे 90 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मैक्सिमम इसमें मिलेगी। अगला आ गया जी प्लांट हेल्थ क्लिनिक, सब्सिडी सेम। लीफ टिश्यू एनालिसिस लैब, सब्सिडी सेम 100% 50%। कहता है कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक है तो 25 लाख रुपए की, और लीफ टिश्यू एनालिसिस लैब है तो कितनी, 25 लाख की। अगर आपका वो बायो कंट्रोल लैब है तो कितनी, 90 लाख की। अगर डीजल फोरकास्टिंग यूनिट है तो कितनी, 6 लाख की। यस और नो लिखो, बोलो याद हुआ कि नहीं, ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे पता है कोई चक्कर ही नहीं है यार। डीजल फोरकास्टिंग यूनिट 6 लाख रुपए की, बायो कंट्रोल लैब के अंदर 90 लाख, बाकी दोनों तो 25-25 ही है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक हो गया और साथ साथ कौन आ गया आपका, लीफ टिश्यू एनालिसिस लैब आ गया। बहुत अच्छी बात है, याद हो गया ना। तो बस शाम को एक बार फिर से पीडीएफ जब आएगा ना, रिवाइज कर लेना सर, उसका पेपर वाले पिछले दिन पढ़ लेना, बस आपको कंफर्म सब्सिडीज याद है, बस रिवीजन कंपलसरी है वरना भूल जाएगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट आ गया जी सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर नमसा। नमसा फिर से आ गया है ना, लेकिन अब क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है भाई साहब। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर क्या बोला इसने, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कह रहा है टाइप ऑफ असिस्टेंस, फिर क्वांटम मतलब कितना पैसा मिलेगा, और स्कीम तो आपको पहले उसने बोल दिया, सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट तो वही चलेगा, राइट। क्या बोला गया, नर्सरी डेवलपमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। देखो नर्सरी प्रोडक्शन, नर्सरी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, यहां भी काफी खर्चा आएगा क्योंकि खेत में उतना नहीं आता, नर्सरी पे काफी पैसा लग जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, है ना। तो छोटी नर्सरी पे 10 लाख रुपए, जबकि बिग नर्सरी 1 हेक्टेयर तक की है तो 16 लाख रुपए का असिस्टेंस मिल जाएगा। और हाईटेक बहुत खर्चा आता है हाईटेक में, है ना, हाईटेक के अंदर तो एरिया भी ज्यादा लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपको सिस्टम सारा का सारा कंप्यूटराइज डेवलप करना पड़ता है, तो वहां पे आपको 40 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। उसके बाद बोला गया पेरिफेरल एंड बाउंड्री प्लांटेशन। पेरिफेरल एंड बाउंड्री में प्लांटेशन करोगे तो 70 रुपए पर प्लांट आपको मिल जाएगा, लेकिन एक साथ नहीं मिला, कहता जितने प्लांट है उसके अकॉर्डिंग मिलता जाएगा, लेकिन असिस्टेंस जो है 4 साल के अंदर मिलेगी 40-20-20 और 20 के रेशियो में। मान लो कि मुझे 500 रुपए मिलने हैं या 5,000 मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और फोर्थ ईयर के अंदर आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बोला गया लो डेंसिटी प्लांटेशन की बात करेंगे, तो कहता है लेस देन 100 प्लांट अगर 1 हेक्टेयर में है तो अगेन 70 रुपए एक प्लांट पे मिलेंगे, लेकिन अगर 100 से 500 प्लांट है तो फिर आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा 28,000 रुपए का। लेकिन इसके अंदर भी वो चेक करेंगे, बिकॉज 100 से 500 के बीच में कितने है, 150 है 200 है 250 है 500 है, तो उस हिसाब से 28,000 तक की सब्सिडी अगेन मिले कितने सालों में, 4 साल के अंदर, 4 साल में। और आपका जो कंपोनेंट जो स्कीम है वो कौन सी है, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। आगे चलता हूं, इसमें जो शेयरिंग है पिछली बार भी यही शेयरिंग हो रही थी 60-40 की। 60 कौन देगा आपको, 60 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 40 इसके अंदर कौन देगा, स्टेट, मतलब अलग अलग नहीं देंगे। आपको तो मिल गए 1,000 रुपए, लेकिन इस 1,000 रुपए के अंदर 600 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, जबकि 400 रुपए आपका स्टेट दे रहा है, जिस स्टेट से आप बेनिफिट ले रहे हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक्सेप्शन आ गया 8 आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, फिर हिली स्टेट जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर आ गया, उनके केस में 60-40 नहीं, उनके केस में 90-10 है। और यूटी अगर आ जाएगी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश अगर आ जाएंगे, तो उनके केस में कितना हो जाएगा, 100% सेंटर की साइड से। क्यों, यूटी को तो सारा कुछ क्या होता है, सारा कुछ सेंटर से ही मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया जी असिस्टेंस अंडर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ
NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसकी बात करने से पहले एक बात जो मैंने शुरू में बोली थी, अगर आपने नहीं सुनी तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। अगर कोई भी डाउट आप पूछना चाह रहे हैं तो क्लास को एंड होने दीजिए, आधा घंटा हो गया, आधा और लूंगा, उसके बाद डाउट पूछिएगा। अभी के लिए आराम से सुनते जाइए। नेक्स्ट बोला गया रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कंपोनेंट है नमसा के अंडर में। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, तो सबसे पहले क्या बोलता है, कहता आईएफएस जानते हैं ना, कल भी एग्जांपल दिया जब हम पढ़ रहे थे नाबार्ड नॉर्म्स के बारे में पिछले लेक्चर में, तो वहां पे आईएफएस की बात आई थी जब हम वो पोल्ट्री और फिशरीज वाला कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ रहे थे। तो आईएफएस की जब बात करेंगे तो आईएफएस वाले केस में क्या हो जाएगा, आईएफएस वाले केस में आपको जो बेनिफिट है वो क्रॉपिंग सिस्टम, अगर आप राइस व्हीट कोर्स सीरियल पल्स वो सारा मतलब मेन क्रॉप्स वाला लेके चल रहे हो तो 50% आपको इनपुट कॉस्ट पे सब्सिडी मिलेगी। लेकिन मैक्स टू मैक्स कितनी मिलेगी, एक हेक्टेयर पे 10,000 की, और मैक्सिमम कितने हेक्टेयर के लिए मिलेगी एक बंदे को, वो 2 हेक्टेयर के लिए मिलेगी। मैक्सिमम कितने के लिए मिलेगी, वो 2 हेक्टेयर के लिए आपको मिल जाएगी। ठीक बात है, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग सिस्टम, ये तो आपका एग्रोनॉमी बेस्ड था ना, बिकॉज पल्सेस आ गया, सीरियल्स आ गया, राइस व्हीट है तो एग्रोनॉमी है, तो एग्रोनॉमी के अंदर पैसा आपको कम लगेगा, तो सब्सिडी 10,000 मिल रही है। जबकि हॉर्टिकल्चर बेस्ड अगर फार्मिंग सिस्टम, प्लांटेशन क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम है ना, तो होटी में पैसा ज्यादा लगता है। तो अब 10,000 नहीं, अब आपको बोला मिलेगा तो 50% ही, लेकिन 25,000 पर हेक्टेयर मिलेगा, मैक्सिमम तो आपका 2 हेक्टेयर के लिए ही है। इसमें क्या बोल दिया इसने, देखो आईएफएस की बात करी, आगे भी है, पहले पूरा करता हूं फिर आपसे पूछूंगा याद हुआ हैंड टू हैंड के नहीं हुआ। इसने बोला नॉर्मल आपका फील्ड बेस्ड है तो आपका 50%, उधर भी 50%, लेकिन एग्रोनॉमी बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है तो 10,000 रुपए, हॉर्टिकल्चर बेस्ड है तो कितना 25,000 रुपए आपको मिल जाएगा 2 हेक्टेयर के लिए मैक्सिमम मिलेगा, वो 2 हेक्टेयर हर केस में लिमिट जाएगी इसकी। नेक्स्ट आ गया एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड, आपका लाइफ स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम आ गया, क्रॉस ब्रीड का हुआ है, मिक्स फार्मिंग है, फोडर बफेलो ये वो सब आ गया इसके अंदर, तो यहां कितना मिलेगा 50% अगेन आपको, लेकिन पर हेक्टेयर जो मिलेगा मैक्स टू मैक्स तो 2 हेक्टेयर के लिए मिलना है, लेकिन पर हेक्टेयर जो 40,000 रुपए मिल जाएंगे, पहले 10,000 मिल रहे थे, होटी के लिए 25 मिल रहे थे, इसके लिए कितने मिल गए आपको 40,000 मिल गए। फिर बोला स्मॉल रिमिनेंट आ गया, मिक्स फार्मिंग आ गया, पास्चर पोल्ट्री डकरी, अब है तो एनिमल हस्बेंड्री ही लेकिन अब छोटे छोटे ना इन पे खर्चा कम आएगा, तो अगेन देखो हॉर्टिकल्चर वाला आपको मिल गया 25,000 पर बेनिफिशियरी। आप बस क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हो, आप 25,000 भी पढ़ोगे, आप फिर उसके अंदर ये सब भी पढ़ोगे, ये सब पढ़ने की बात नहीं है मेरे भाई, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है, बड़े लाइव स्टॉक है तो 40,000 रुपए, वो छोटे रिमिनेंट से तो उसके कैसे 25,000 रुपए, एग्रोनॉमी बेस्ड क्रॉप्स है तो वहां 10,000 रुपए, और होटी बेस्ड क्रॉप्स क्रॉपिंग सिस्टम है तो वहां पे 25,000 रुपए पर हेक्टेयर मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 2 हेक्टेयर के लिए। फिशरीज बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है तो देखो अगेन कितना मिलेगा, 25,000 रुपए मिलेगा 2 हेक्टेयर के लिए ही। वर्मी कंपोस्ट यूनिट ये वो सब है आपका, है ना, वर्मी कंपोस्ट हो गया इनपुट प्रोडक्शन यूनिट या फिर ग्रीन मैन्योरिंग का यूनिट है, तो वहां पे देखो क्या बोला 50,000 रुपए एक यूनिट का मिलेगा, 50% ही रहेगा। फिर कहता है परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए 50,000 है, जबकि 8,000 किसके लिए, वो आपका जो एचडीपी वाला प्लास्टिक शीट आप लगा के वहां पे टेंपरेरी जिसे बना लेते हो। अब खत्म करते हैं इसको और आपसे पूछ लेते हैं, है ना, आगे चलेंगे, बट उससे पहले प्लीज बोलिए क्या ये याद हुआ, मैं तब तक रिपीट करता हूं। फील्ड क्रॉप के लिए 10,000 रुपए एक हेक्टेयर, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए, हॉर्टिकल्चर बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम के लिए 25,000 मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए, बड़े लाइव स्टॉक है तो उनके लिए 40,000 पर हेक्टेयर मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए, स्मॉल रिमिनेंट है तो वहां पे आपको 25,000 पर हेक्टेयर बट किसके लिए 2 हेक्टेयर के लिए, फिर आपका फिशरीज बेस्ड है तो 25,000 अगेन 2 हेक्टेयर की लिमिट आ जाएगी, और वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए 50,000 एक यूनिट का, टेम्परेरी एलडी एचडीपी वाला है तो फिर कितना आपका 8,000 पर यूनिट आपको मिल जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, याद होना भी चाहिए सर, याद तो होना ही पड़ेगा क्योंकि प्री क्वालिफाई कर लिया है तो जो भगवान ने आपको दे दिया है ना, आप भगवान बोलिए, ईश्वर अल्लाह जो आप बोले उसे, है ना, तो ऊपर वाले का शुक्र गुजार आप रहिएगा सर कि आपको कोरोना टाइम में जब पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया बेरोजगारी बढ़ रही है ना सर, आप सब लोगों को उसने गोल्डन चांस दे दिया है, क्योंकि जो कट ऑफ है उस हिसाब से लगता है वैकेंसी बड़ी होगी, बाकी प्रिडिक्शन तो मैं फिर से भी नहीं दूंगा, अपना काम ही नहीं है वाला, लेकिन बड़ी और घटी जो भी है अपने आप को तैयार कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, ये मत कहना बढ़ गई है, ये है वो है, अपने आप को इंडिया में 884 बना लो, 836 तुम क्लास ले रहे हो, कुछ इतनी सी मेहनत कर दो कि सब के सब सेलेक्ट हो जाओ, वो करने के लिए अगले जो 8 दिन बचे हैं ना उसमें दिन और रात 16 कर दो उसे, 8 दिन और 8 रातें सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
आगे चलते हैं, ये वाली सब्सिडीज आपको याद हो गई है, आगे आ गया जी सब्सिडी फॉर फिशरीज। फिशरीज की बात करेंगे तो फिशरीज में भी आपको सब्सिडीज मिलेंगी। क्यों मिलेंगी सर? देखो पहले तो ये ध्यान रखना ये NFDB दे रहा है, क्योंकि फिशरीज के लिए सब्सिडी आपने यहां भी ले ली है। कहां पे? 25,000 रुपए जो पर हेक्टेयर आप लेके आए हो, है ना, ये रहा फिशरीज बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। लेकिन ये जो तुमने सब्सिडी ली है ना सर, ये तुम्हें ऑफर करा NMSA ने, NMSA ने, लेकिन ये जो ऑफर कर रहा है ये कौन कर रहा है? NFDB। तो NFDB की बात करेंगे ना तो NFDB वाले केस में क्या हो जाएगा? NFDB वाले केस में इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन एग्जिस्टिंग पॉन्ड एंड टैंक वाले केस में कहता है रेक्लामेशन या रिनोवेशन करना है तो यूनिट कॉस्ट में कितना आएगा? 30,000 पर हेक्टेयर। ये सब्सिडी नहीं है, ये खर्चा आ रहा है। सब्सिडी कितनी मिलेगी? बोला 20% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, 6,000 रुपए आपको पर हेक्टेयर की। SC ST केस में 25% मिल जाएगी, इतनी 6,000 नहीं, वो 7,500 हो जाएगी पर हेक्टेयर में। फिर कहता है इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन न्यू पॉन्ड, ये तो एग्जिस्टिंग पॉन्ड था, नया पॉन्ड बना रहे हो तो कहता खर्चा आपका 2,00,000 रुपए आ जाएगा। 2,00,000 में कहता 20% की आपके लिए, 25% की ST के लिए। ध्यान से देख लीजिए भाई साहब, 20 और 25 ही चल रहा है, सब्सिडी चेंज ही नहीं कर रहा। बस आप अपने दिमाग को सिस्टम के साथ लेके चलिए, है ना? ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरी। देखो भाई ये याद कर लेना साथ साथ, एग्जिस्टिंग पॉन्ड है तो 30,000 रुपए एक हेक्टेयर का खर्चा आएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं है, नया पॉन्ड है तो 2,00,000 रुपए खर्चा आएगा। सब्सिडी 20 और 25% ही है, तो काहे को याद करना भैया ये? इसको याद करो, 20% 25% कैलकुलेट कर लेना, प्री एग्जाम क्वालिफाई तुम करके आयो, उतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। आगे बोला गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरी, है ना, हैचरी की बात करेंगे तो उसमें क्या बोला? सेटिंग अप ऑफ हैचरी विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 8 to 10 million फ्राई एक साल के अंदर, तो वहां पे कितना आएगा, है ना, वहां पे कितना आ गया? देखो वहां पे 10,00,000 रुपए, 10,00,000 ही है क्या यार, मैं एक मिनट चेक कर लूं दोबारा भाई, है ना, हाँ एग्जैक्टली, वो आगे जीरो आगे पीछे होगी ना यार। तो यूनिट कॉस्ट जो है यहाँ पे वो कितना आ गया, वो आपका 10,00,000 रुपीज, 10,00,000 आ गया यूनिट कॉस्ट। उसके अंदर भी अगेन सब्सिडी कितनी आपकी, 20% 10,00,000 का 20 कितना आ गया, 2,00,000 रुपए आ गया। फिश सीड रियरिंग यूनिट की बात करेंगे तो 3,00,000 रुपए का कॉस्ट आएगा, 30,00,000 पे फिर से अगेन आपको नॉर्मल कैटेगरी में 20% और SC ST वाले केस में कितना, 25% की सब्सिडी मिल जाएगी। आपको बस कॉस्ट याद करना है, 10,00,000 रुपए कॉस्ट आया कहां पे, हैचरी पे, 3,00,000 कॉस्ट आया कहां पे, रियरिंग यूनिट्स पे, 30,000 रुपए कॉस्ट आया रिनोवेशन पे, 2,00,000 रुपए कॉस्ट आया किसके ऊपर, आपका नया पॉन्ड बनाने पे। सब्सिडी 20 से 25% ही है। क्या फिशरीज NFDB वाली सब्सिडीज याद हो गई है? आप यस लिखिए, तब तक मैं आपके लिए रिपीट करता हूं। कहता अगर NFDB वाले केस में आप फार्म पॉन्ड का रिनोवेशन करोगे तो 30,000 का खर्चा आएगा, अगर आप नया पॉन्ड बनाओगे तो 2,00,000 का खर्चा आएगा, अगर हैचरी को एस्टेब्लिश करोगे 10,00,000 का खर्चा आएगा, रियरिंग यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फिंगरलिंग प्रोड्यूस करने के लिए रियरिंग यूनिट बनाओगे तो 3,00,000 का खर्चा आएगा। सब्सिडी बोला यही मिलेगी, नॉर्मल कैटेगरी 20%, SC ST वाले केस में 25%। हो गया ना याद? वेरी गुड, यस लिख रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बोला गया मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी वाले केस में बोलेंगे तो वहां बोला सबमिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। मैंने शुरू में एक डायलॉग मारा था, देखते हैं सही बोला था कि नहीं। वहां मैंने बोला था कि मुझे लगता है सबसे आसान जो सब्सिडीज है वो तो किसके अंडर में है, SMAM के अंडर में ही है, और लोग मुझे सारे यही बोल रहे हैं कि SMAM को कवर करवाओ। तो जरा देखते हैं वो वाली बात मेरी कितनी सही और कितनी गलत है। यहां पे भाई साहब कुछ है ही नहीं याद करने वाला, सब्सिडी यही मिलने वाली है। स्पेशल कैटेगरी 50%, नॉर्मल कैटेगरी 40%, चलते जाओ तुम आगे यही चलता जाएगा, 50-40, 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
चेंज ही नहीं कर रहा। देखो इतनी स्लाइड निकल गई, सारे में आप देखेंगे ना 50-40 ही चले जा रहा है SMAM के अंडर में। हाँ कॉस्ट कम ज्यादा होगा वो बात है, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ 50-40 करते ही याद हो गया, थोड़ा थोड़ा सब्सिडी पढ़नी पड़ेगी। मेरे ब्लर वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी, भैया क्यों क्लास को खराब करते हो यार, ये ब्लर है बताओ? नहीं ना, क्योंकि ये फॉन्ट बड़ा है, ये दिख रहा है। तुम्हारा फोन का जो स्पीड है ना इंटरनेट की वो कम है, वो उसे कंप्रेस करता है भैया, यूट्यूब ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट करता है, ये ब्लर नहीं है, ये 4K में वीडियो ट्रांसमिट हो रही है वहां पे, लेकिन आपका इंटरनेट स्लो तो उसे कंप्रेस कर दे रहा है। क्या ब्लर ब्लर यार, इतनी टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन के अंदर आप ये सब नहीं जानते हो यार। लोग
करोगे, 8K मूवीज देखना स्टार्ट कर दिए तुम यार, 480 पे भी नहीं गए हो। ऑटो से हटाओ उसको, हाई रेजोल्यूशन में लाओ, ये क्लियर है सर। अगर क्लियर ना होता तो मैं कैसे पढ़ पा रहा होता यार, समझे, है ना। ये देखो सामने मेरे को एकदम स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपके एंड से इंटरनेट स्लो है। चलो आगे चलते हैं। सो मशीनरी की बात कर लेते हैं। मशीनरी वाले की से पहले ऊपर की हेडिंग्स को देख लो। दो टाइप की हेडिंग है, एक नॉर्मल कैटेगरी के लिए, दूसरा स्पेशल कैटेगरी के लिए। उसमें दो दो टाइप है, एक तो अमाउंट लिखा गया है, दूसरा परसेंटेज ऑफ सब्सिडी लिखा गया है। तो कहता है एससी एसटी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, विमेन भी आ जाएंगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी इसमें आ जाएंगे। विमेन वाले केस में कोई कैटेगरी नहीं है। देखो ये सब्सिडी जैसे ही इन्होंने इस तरीके से दे दी ना, इन्होंने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के साथ विमेन भी बोल दिया। बोला विमेन के लिए लोगे, विमेन के नाम पे तो 50%, नॉर्मल लोगे तो 40%। अब ये ऐसी सब्सिडी है जिसमें इंडिया में कोई भी 40% सब्सिडी नहीं लेगा, जो लेगा वो 50% ही लेगा। क्यों? अगर तुम बोलो कि मैं लूंगा तो 40%, मैं मेरी मदर के नाम पे लूंगा तो 50%, तो मैं क्यों लूंगा अपने नाम पे भैया, फिर आने दो मेरी मदर के नाम पे, चलने दो, क्या दिक्कत है। तो हम लोग करते हैं, पीपल यूज टू डू दिस, के घर में 4 एकड़ जमीन है ना तो 2-2 एकड़ कर दो, डिवाइड कर दो उसे, ताकि बेनिफिट दोनों को मिल जाए। लोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के अंदर, है ना, 6 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ में 6 बंदों के नाम पे चल रही है, सबको 6,000 रुपए आ रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। तो दे यूज टू डू दिस, ठीक है, करना भी मतलब करना चाहिए और नहीं है तो आप ही समझे, लेकिन हाँ इस तरह से है। तो बोला ट्रैक्टर आपका दो टाइप के ट्रैक्टर है, 2D और आपका 2WD और आपका 4WD, है ना। सो 2WD और 4WD में क्या होता है, 2-wheel drive और 4-wheel drive, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। तो 8 से 20 HP के ट्रैक्टर के लिए 2,00,000 रुपए मिलेंगे 50%, इधर 40 मिलेंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली अगर 50% 2,00,000 है तो 40% कितना होगा, प्री क्लियर करने वाले 1 मिनट के अंदर बोल देंगे, बिना देखे बोलेंगे सर अगर 50% 2,00,000 है तो 40% 1.6 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट बोला गया ट्रैक्टर अगर आपका 4WD है, 4WD थोड़ा महंगा आता है, तो उस केस में फिर आपको 2,00,000 नहीं 2.25 और इधर 1.80 हो गए। ट्रैक्टर अगर आपका 20 से 40 HP का है तो यहां पे 2,50,000 रुपए स्पेशल कैटेगरी में, और इधर नॉर्मल कैटेगरी के अंदर कितने हो गए, 2,00,000 रुपए। जब ये सब्सिडीज एंड करूंगा तब मैं आपसे नहीं पूछूंगा याद हो गया कि नहीं, क्योंकि थोड़ी बड़ी है और ये एकदम से याद नहीं होगी। परसेंटेज तो क्लियर हो ही गया 50 और 40, लेकिन अमाउंट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन इजी है सर, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी ज्यादा है तो टाइम ज्यादा मांगती है, लेकिन है कुछ नहीं वैसा जैसे आप सोचेंगे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्या बोला गया, ट्रैक्टर जो आपका 4WD है 20 से 40 HP का, उसमें 3,00,000 रुपए, इधर वाली कैटेगरी में 2.40 लाख रुपीज। 2WD 40 40 to 70 HP का है तो 4.25 lakhs है और इधर 3.4 lakhs है। अगर ट्रैक्टर 4WD और 40 to 70 HP है तो काफी महंगा आएगा, वहां पे सब्सिडी 5 lakhs है और इधर वाले केस में 5 lakhs 50% है, तो 40% कितना हो गया, 4 lakhs हो गया। ये तो सब्सिडी है ट्रैक्टर के ऊपर, है ना, ट्रैक्टर के ऊपर। अभिषेक जी कहता है रिपीट करिए, अभिषेक जी कर देते हैं। देखो सर होगा क्या, ट्रैक्टर यहां पे कैटेगरी लेके चल रहा है एचपी की, 8 to 20 फिर 20 to 40 है। तो 2WD का अगर 8 से 20 HP का लिया तो 2,00,000 रुपए, जबकि 4WD के लिए 2.25 है। फिर अगर 20 से 40 HP में गया तो फिर कितना है, 2,50,000 रुपए, और वही 20 से 40 HP 4WD के अंदर गया तो 3,00,000 रुपए। अगर 2WD 40 to 70 HP का है तो 4.25 लाख, और उसके बाद अगर 4WD 40 to 70 का है तो 5 लाख। उधर वाली क्यों नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन से करिएगा, वहां पे आप कर लेंगे, बिकॉज आपको सफिशियंट टाइम मिला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इसके अंडर में ना बस ये वाला अमाउंट याद कर लो, ये वाला बाद में कैलकुलेट कर लेना कि इतना अगर 50% है तो 40 कितना होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आगे जी पावर टिलर, 8 बीएचपी से कम का पावर टिलर है तो 65,000 रुपए यानी कि 0.65 लाख मिलेंगे, और अगर पावर टिलर 8 बीएचपी से ऊपर का है तो फिर आपको 85,000 यानी 0.85 लाख रुपीज मिल जाएंगे। ये 50% अमाउंट है, इधर वाले केस में कैलकुलेट आप कर लेंगे तो 40% ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर, सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है, जो खुद चलेगा, कोई ट्रैक्टर वैक्टर के साथ जोड़ के नहीं चलाना पड़ेगा आपको उसे। तो सेल्फ प्रोपेल्ड अगर बात करें कि इसकी, सेल्फ प्रोपेल्ड वाले केस में जो आपका राइस ट्रांसप्लांटर है वो 5 लाख का है, 5 लाख की आपको सब्सिडी देके जाएगा। और किस केस में, अगर वो 4 to 8 रोज कवर करता है, और 8 to 16 रोज वाला जो है वो कितना देके जाएगा आपको, वो आपको 8 लाख रुपीज देके जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये 4 to 8 रोज वाले हैं, जो 4 रोज वाला है वो कितना आपको, 1.5 लाख देगा, और ये 50
40% है स्पेशल कैटेगरी में, 40% का अमाउंट यहां लिखा है, इसको याद मत कीजिए, वहां से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे आ गया इक्विपमेंट फॉर रेजिड्यू मैनेजमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, रेजिड्यू मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेजिड्यू मैनेजमेंट वाले केस में क्या बोला गया, रेजिड्यू मैनेजमेंट में कहता शुगर केन ट्रैश कटर है, कोकोनट फॉर्म चॉपर है, स्ट्रॉ रिपर है, या फिर आपका स्टबल शेवर है, उस केस में आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, और अगर नॉर्मल कैटेगरी से तो फिर आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट बोलता थ्रेशिंग के जो इक्विपमेंट है, थ्रेशिंग हार्वेस्टिंग वाले जो इक्विपमेंट है, जिसमें ग्राउंडेड पोर्ट स्ट्रिपर आ गया, थ्रेशर आ गया, मल्टी क्रॉप थ्रेशर आ गया, पैडी थ्रेशर है आपका, ब्रश थ्रेशर आ गया, यहां पे 30,000 रुपए मिलेंगे, इधर वाली कैटेगरी में आओगे तो 25,000 मिल जाएंगे। नेक्स्ट बोलता विनोइंग फैन के लिए, मेज शेलर के लिए, मोवर के लिए, फेल हार्वेस्टर के लिए, मोवर शेडर के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे, इधर वाली कैटेगरी में आपको 25,000 मिल जाएगी सब्सिडी। नेक्स्ट आ गया 20 से 35 BHP वाले जो इक्विपमेंट है, जैसे कि पीछे ट्रैक्टर के जुड़ेंगे और फिर वो चलेंगे, इक्विपमेंट में कौन आ जाएगा, इक्विपमेंट के अंडर में आ जाएगा एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर और वीड स्लैशर, है ना। तो इसके अंडर में कितना होगा भाई साहब, इनको मिलेगा 30,000 रुपए, और नॉर्मल कैटेगरी के अंदर कितना मिलेगा, नॉर्मल कैटेगरी के अंदर 25,000 या फिर 0.25 वहां पे लिख दिया गया। ओके, सो यहां पे धनेश्वर पाठक जी कहते हैं यूटी को कितना सब्सिडी मिलेगा, तो सर इन्होंने यूटी के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनाई है, सब्सिडी नॉर्म्स के हिसाब से चलेगी, तो सब्सिडी डॉक्यूमेंट में जो है यूटी वर्ड इस कैटेगरी में अलग से मेंशन नहीं किया गया है। वैसे यूटी की बात करेंगे तो पॉसिबली वहां पे 100% जाना चाहिए, लेकिन वो सब्सिडी वाले केस में जाएगा जब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आपको कितना मिलेगा वो फिर नहीं दिया हुआ अलग, तो यही वाली कैटेगरी को के चलिए, बिकॉज अलग से दिया ही नहीं है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट आ गया फरो ओपनर, बंड फॉर्मर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटो पडलर, रोटरी कल्टीवेटर और पावर हैरो के लिए 60,000 यानी 0.6 लाख मिल जाएंगे, और इधर वाले कैटेगरी में 0.5 लाख यानी कि 50,000 मिलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसको ध्यान से पढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गए जीरो टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिलेज वाला कॉन्सेप्ट, रेजिड्यू वाला कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है, इस पे आपको 18,000 रुपए मिलेंगे, उधर आपको 16,000 मिलेंगे। हैप्पी और टर्बो सीडर, ये थोड़ा सा महंगा है, तो देखो यहां पे आपको 72,000 लगभग 72,000 की सब्सिडी मिल रही है, क्योंकि लगभग 1.5 लाख के आसपास इसका प्राइस होता है, तो 72,000 या 0.728 लाख की सब्सिडी मिल गई है। इक्विपमेंट रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए हे फॉरेज इक्विपमेंट स्ट्रो रीपर है, तो वहां पे कितना आपको 25,000 यानी 0.25 लाख मिल जाएगा 50%, और इधर कितना आपको 20,000 यानी कि 40% की सब्सिडी मिल जाएगी। ओवर हो गया सर वो वाला पार्ट आपका, आपने देखा सिर्फ अमाउंट याद करना है, थोड़ी सी देर ज्यादा लगी है, लेकिन कैटेगरी वाइज चल रहा है यार, ये ज्यादा नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6th कैटेगरी मान लेता हूं, ये 7th कैटेगरी है ना, और ये वाली 8th कैटेगरी है, दैट्स इट, 8 कैटेगरी है, सिर्फ अमाउंट याद करना है, बाकी तो परसेंटेज तो याद हो ही गया 40 और 50 है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आगे चलते हैं, अगली सब्सिडी कवर करते हैं, नेक्स्ट हमारी सब्सिडी है किसकी जी, नेक्स्ट सब्सिडी आ गई हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर वाले केस में क्या हो गया, यहाँ पे कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, असिस्टेंस के टाइप भी चेंज हो जाएंगे। सर कैसे, देखो यहाँ पे जो सब्सिडी आ गई है जी वो कौन देगा, वो आपको देगा MIDH, पिछली बार अलग था है ना, तो MIDH क्या बोलता है यहाँ पे, MIDH कहता कि वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट हम देंगे 5 हेक्टेयर एक बेनिफिशियरी को, है ना। तो जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे आपके वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट की, अगर वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन यूनिट आप ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप में लेके चल रहे हो, पब्लिक सेक्टर को 100% जबकि प्राइवेट सेक्टर को 35%, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट वाले केस में कितना मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा, और पर हेक्टेयर कितना मिलेगा, 35,000 रुपए, 35,000 पर हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर तक का बेनिफिट मिलेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट अगर पूछ लेगा तो 35,000 × 5 हो जाएगा फिर, है ना, 35,000 × 5 मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा, पर हेक्टेयर 35,000 हो गया, और परसेंटेज में भी कितना है, 35% है जनरल के लिए, 50% है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। आगे चलता हूं, वो तो था सर क्या, ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए, है ना, ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए सीड प्रोडक्शन आप कर रहे थे, तो पैसा आपको वहां पे क्या मिल रहा था सर, पैसा आपको कम मिल रहा था, है ना, कितना मिल रहा था, देखिए वहां पे आपको 35,000, लेकिन यहां पे देखिए सर 35,000 नहीं,
एक हेक्टेयर का 1.5 लाख रुपया होगा। क्यों? क्योंकि अब ओपन पोलिनेटेड नहीं सर, अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हो। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर पैसा ज्यादा जाता है ना। तो पैसा ज्यादा जाएगा तो पब्लिक सेक्टर के लिए 100%, प्राइवेट सेक्टर के लिए 35 और 50% नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन वाले केस में 1.5 लाख पर हेक्टेयर आपको मिलेगा। अगेन लिमिट जो रहेगी वो उसने पहले ही बोल दिया कि क्राइटेरिया असिस्टेंस के लिए कितना है, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए 5 हेक्टेयर पर बेनिफिशियरी का बेनिफिट मिलेगा। ये तो बात थी कि इसकी ओपन पोलिनेटेड क्रॉप की, ये थी हाइब्रिड सीड की, जहां खर्चा बढ़ गया। अब आ गया भाई साहब हाईटेक नर्सरी, और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे? वहां पे तो पर हेक्टेयर कितना था 35,000, यहां पे जब हाइब्रिड में गए तो 1.5 लाख रुपए हो गया। और अब देखिए सर हाईटेक नर्सरी में 4 हेक्टेयर तक मिलेगा 25 लाख पर हेक्टेयर, मतलब 4 हेक्टेयर तक मिल रहा, तो 1 करोड़ की सब्सिडी यहां पे है। एक बात मैं बता दूं, यंगस्टर ना इन्हीं चीजों के पीछे है। किस चीज के पीछे? रट्टा मारेंगे, पेपर क्वालिफाई करेंगे, नहीं क्वालिफाई हुआ तो दीपक सर की लाइव क्लास में जाएंगे, ऐसे ऐसे आंसू वाले वो सिंबल से भेजते रहेंगे और अगले साल फिर तैयारी करेंगे। जरूर नहीं है सर कि जॉब के पीछे भागो, मिल जाए तो बेस्ट है, सेटल हो जाइए, नहीं मिले तो अपने दम पे कुछ करके दिखाइए। यंगस्टर है आप लोग सर, भारतीय युवा है आप, थोड़ा सा दम दिखाइए ना। इतनी सारी सब्सिडी है, कुछ करके तो देखो, इसको यूटिलाइज करो, बहुत पावर है इसके अंदर यार। हम एडवांस लोग हैं, हम नई जनरेशन है, हम जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो कर यहां भी सकते हो, पर खैर अभी तो अपने एफओ की बातें ही करेंगे। नेक्स्ट हाईटेक नर्सरी के लिए वही है आपका 100%, 40% किसके लिए बोला, यहां पे बैक एंडेड सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर के लिए है। 40 लाख रुपए एक यूनिट का मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, पर हेक्टेयर बोलेंगे तो कितना है 25 लाख रुपए, ये हाईटेक नर्सरी के लिए, जबकि स्मॉल नर्सरी है तो 15 लाख रुपए। और कितना? वही वाला आपका 100% हो गया पब्लिक सेक्टर के लिए। इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बैक एंडेड सब्सिडी फॉर द कॉस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 7.5 लाख पर यूनिट, राइट। आगे चलता हूं, कुछ डाउट आ रहा होगा ना तो टेंशन मत लेना, इजी आई है, एक बार पीडीएफ खोल के देखोगे ना आराम से समझ आएगा, है ना। ओके, जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे नेक्स्ट आपका सब्सिडीज की, तो अब आगे ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर पे। ग्रीन हाउस में जो लिमिट है ना वो 4000 मीटर तक है, बस 4000 मीटर स्क्वायर से ऊपर की सब्सिडी नहीं मिलती है इस कंपोनेंट के अंडर में। तो बोला फैन एंड पैड सिस्टम है, 50% सब्सिडी मिल जाएगी। 4000 स्क्वायर मीटर पर बेनिफिशियरी की लिमिट है, 1650 रुपए पर स्क्वायर मीटर मिलेगा अगर एरिया 500 तक का है, और अगर एरिया आपका 2000 से 4000 तक का है तो खर्चा थोड़ा कम आएगा ना ज्यादा को बनाने में, तो फिर आपकी सब्सिडी 1400 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो जाएगी। और जितना स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता जाएगा उतनी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट बोला गया नेचुरली वेंटिलेटेड, ये तो फैन एंड पैड था, यहां पे नेचुरल है। फैन एंड पैड में खर्चा ज्यादा आएगा बिकॉज आपने खुद बनाया सिस्टम, यहां नेचुरली वेंटिलेशन ओपन छोड़ा हुआ है, खर्चा कम आएगा, सब्सिडी भी कम मिलेगी। तो बोला यहां पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, 50% की सब्सिडी यही वाली 4000 स्क्वायर मीटर वही वाली, लेकिन हाँ यहां पे जो 1650 था यहां पे 1060 स्क्वायर मीटर हो गया, और अगर 2000 से 4000 स्क्वायर मीटर तक है तो फिर कितना, यहां आपको 1400 मिल रहा था, 1400 मिल रहा था, यहां पे 844 पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। आगे आ गया किसका, आपका आगे आ गया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए कहता 50% कॉस्ट आ जाएगा, इंक्लूडिंग 300 माइक्रोन प्लास्टिक शीट, और वाटर फ्लो को रोकने के लिए आरसीसी लाइन आपने वहां पे कर दिया है। 50% आपके कॉस्ट की सब्सिडी आपको मिलेगी, 1.5 लाख रुपए एक यूनिट की प्लेन एरिया के अंदर, जबकि हिली में खर्चा ज्यादा आएगा तो वहां पर कितनी सब्सिडी, 1.8 लाख की सब्सिडी आपको मिल जाएगी, राइट। नॉर्मल में 1.5 लाख की, हिली में 1.8 लाख की, कहां पे आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। अब अगले 10 मिनट के लिए इनवाइट है, आपके सारे के सारे डाउट, पूरा पूरा एक घंटा हुआ है हमें क्लास लेते हुए, सब्सिडी सारी कवर हो गई है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने आपको बहुत फास्ट पढ़ा दिया, मैंने सिर्फ आपके दिमाग को ना जगा दिया कि चीजें इस तरह से भी कवर होती है, और मैंने बाद में जगाया, एग्जाम ने खुद जगा दिया ना, बोला मैं आ रहा हूं 8 दिन के बाद, और आपने कहा आजा फिर देख लेते हैं, तो आप अपने आप को ना अब बूस्टर स्टेज पे लेके जा चुके हो कि अब जो आएगा सब कुछ करते जाएंगे। तो बस अपने पैशन को बढ़ाइए, कवर ववर सब कुछ होता है यार। ये सब्सिडी कितना सा पार्ट था, इतना सा आप याद नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है शर्त अगर आपसे लगाई जाए ना तो इससे 10 गुना सब्सिडी आप याद कर देंगे, लेकिन आप खुद को ना डिमोरलाइज कर लेते हैं डेटा देख के कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं कुछ भी ज्यादा नहीं है यार ये। ओके, सो अब डाउट्स पे आ जाते हैं, देख लेते हैं आप क्या क्या लिख रहे हैं, थोड़े थोड़े लिखते जाइए, जब ऊपर का रिप्लाई कर दूंगा तो फिर दोबारा से लिखना।
एक साथ बहुत सारे मतलब ना, आरसीसी लाइनिंग क्या होता है? परफेक्ट क्वेश्चन सर। आरसीसी वर्ड आपने सुना होगा, जब छत वत डालते हैं तब भी वो कंक्रीट वंक्रीट डाल के बनाया जाता है, तो आरसीसी लाइनिंग फ्लो रोकने के लिए नीचे काइंड ऑफ वॉल बनाई जाती है, छोटी सी, है ना। तो अगर बनाई है तो खर्चा ज्यादा आएगा, वो आरसीसी लाइनिंग है जो नीचे बनाया गया है वॉटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, चैनल नाली टाइप बोल दीजिए, बट नाली नहीं होगा, नाली छोटी होती है, बड़ा हो जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन कर दीजिए प्लीज। अरुण कुमार मेरे भाई, तू ग्रेजुएट बंदा है ना, तो ये चीज समझ कि तू पूरी बात तो लिख यार, कहाँ डाउनलोड ऑप्शन बोल रहा है यार, मैं क्या समझूं, क्या यूट्यूब पे गानों का, यूट्यूब मेरी कंपनी थोड़ी है, पूरी बात लिखना मेरे भाई कि कहाँ डाउनलोड ऑप्शन बोलना चाह रहा है, अधूरी बात लिखोगे कैसे करूंगा। 50% इज 30,000 एंड 40% विल बी 24,000 इन फार्म मशीन इट्स 2.0.24। हाँ सर, 24,000 होगा तो 0.25 का मतलब 25,000 हुआ ना, आप 24,000 बोल रहे हैं तो वो तो फिर उतना सा तो करेंगे ना एडजस्टमेंट, कि अगर मान लो 44,500 बन रहा है उसको 45,000 कर दिया जाएगा, लेकिन 50 और 40 इसी हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है। और ऑप्शन जब देगा तो आपको वो इतना सा गैप तो देगा ना फिर, कि 24 है और 34 है और 44 है, आप इजिली उसको आंसर कर पाएंगे। लास्ट मिनट नोट्स केवल पेड स्टूडेंट को मिलेगा या ऑल को? सर ऑफ कोर्स पेड स्टूडेंट को मिलेगा। आप मुझे ऑल को देने का रीजन बता सकते हैं? मैं ऑल को दे रहा हूं सर, मैं कोई आपसे कांटेक्ट नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे मैसेज करो ताकि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए फिर मैं तुम्हें दिखा सकूं देखो मेरे स्टूडेंट है। नहीं सर, आप मेरे ही स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, मैं जेन्युइन रिजल्ट पब्लिश करूंगा, बिकॉज मैं मेहनत में विश्वास करता हूं, मेरे पास फ्री के बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट है, नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत हो जाएंगे, लेकिन इन बच्चों ने पूरा साल मेरे से पढ़ा और पूरा साल मुझे पेमेंट भी किया ना सर, तो एक रीजन है आपके फ्री वालों को देने का। ऑफकोर्स नो सर, बुरा मत मानिएगा सर, समझिएगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन रन करते हुए सब कुछ देखना पड़ता है ना, अगर मैं सबको ही दे दूंगा तो फिर क्या मतलब, फिर तो कॉम्पिटिशन बराबर है ना, बिकॉज उतनी सी रीच तो मेरी है कि अगर मैं लास्ट मिनट नोट्स दूंगा ना तो सिंगल सिंगल बच्चा पढ़ के जाएगा IPS AFO मिल जाएगा, तो फिर तो कॉम्पिटिशन मैंने ही बढ़ा दिया ना। तो डेफिनेटली पेड कोर्स में दूंगा, सारे के सारे पेड कोर्स में विद इन द ऐप शो होंगे, शेयर किसी कंडीशन में वो हो नहीं पाएंगे, कितना भी कुछ हो जाए, हमने इस बार टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे लेके गए हैं कि अब लीक करना बहुत इंपॉसिबल टास्क हो गया है। आरसीसी लाइन मैंने बता दिया है, अच्छा गाइडेंस है, किसी तरह से पढ़ना है, ठीक है सर। बोला पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में डिफरेंस बता दीजिए। भाई पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ना, मान लो IARI, ICAR, CPRI, ये लोग बोलेंगे तो सारा पैसा गवर्नमेंट ही देगी, अगर आप और मैं बोलेंगे तो प्राइवेट हो गए। आज मैराथन क्लास ले लो प्लीज, आप रिक्वेस्ट है ये मेरा, आपका नाम है मधुरिमा। मधुरिमा ये क्या था भला, आप इसे मैराथन क्लास नहीं बोलेंगी? अच्छा मैंने ऑल सब्सिडी इन वन क्लास लिख दिया, तो मैं काम करता हूँ, मैं टाइटल को एडिट करता हूँ एंड आई विल राइट इट सब्सिडीज मैराथन क्लास, क्या फिर इसे आप मैराथन मानेंगे? आई वॉज कवरिंग ए मैराथन सेशन ओनली, बिकॉज मैं इस PPT को बनाने के लिए पहले 3-4 घंटे माथा मार के आया ना, ये 1 घंटे क्लास नहीं थी मेरे लिए, तो मेरा सुबह से अभी तक का टाइम गया ना, और अब मैं 2:30 से 5 बजे भी पूरी PPT नहीं बना सकता, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट है मैं सब मैराथन दे रहा हूँ आपको। आज के दिन में ये हो गया, कल के दिन में सोल का मैराथन होगा, डोंट वरी, और मैं हर दिन कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली मुझे भी आपका रिजल्ट चाहिए ना। जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेशल सब्सिडी पूछा जाता है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा कोई जब यूनियन टेरिटरी हो गया है? सर देखिए, यूनियन टेरिटरी वो अभी हुआ है, सब्सिडी वो पहले से चल रही है, तो वो हिली स्टेट में जाएगा सर, हाल फिलहाल हिली स्टेट में है, लेकिन सब्सिडी को लिखते टाइम थोड़ा समझदारी से कर लीजिए, अगर वो 100% लिख रहा है तो मतलब यूटी वाले केस में ले जाना चाह रहा है, और 100 नहीं 40 50 60 लिख रहा है तो मतलब उसको वो हिली स्टेट कंसीडर कर रहा है, और अलग से जम्मू कश्मीर मेंशन मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, कर लेगा तो आप आंसर कीजिएगा। How to join the paid courses? Ankita, simple, you can download our app, it's Agri Coaching Chandigarh, and buy the courses from there only. Outcrossing, outbreeding में क्या difference होता है? Please मेरा marathon class देखिएगा, जो मैंने annual husbandry पे दिया है, सिर्फ 1.5 घंटे का है, उसमें सब मैंने पढ़ाया, पोल्ट्री पढ़ाया, ब्रीडिंग मैंने पढ़ा दिया, जनरल टर्म्स मैंने सारी पढ़ाई हुई है, वहाँ कवर किया गया है। बोला FSSA के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए? मुझे नहीं पता प्रहलाद जी, मैं पर्सनली FSSAI कवर नहीं करता हूँ, मैं अपना स्पेशलाइजेशन फोकस करता हूँ जो मुझे आता है, मैं हर कोर्स नहीं चलाता लेकिन वो कोर्स चलाता हूँ जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। नबार्ड ग्रेड ए वाली न्यू बैच कब स्टार्ट होगी? फरवरी के बाद, फरवरी के अंदर हम नए बैचेस ला रहे हैं AFO MSA एंट्रेंस और स्टेट एग्जाम के लिए, उसके बाद नबार्ड ग्रेड ए के लिए लेके आएंगे। स्टूडेंट हु हैवंट परचेज द कोर्स कैन एबल टू परचेज द लास्ट मिनट नोट्स? ऑफ कोर्स नो, आर कोर्स इज अवेलेबल इन ₹999 ओनली, दैट इज IBPS AFO क्रैश कोर्स, सो बाय पेइंग 999 यू कैन गेट द एक्सेस टू ऑल आर टेस्ट सीरीज अलोंग विद द लास्ट मिनट नोट्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स विल बी देयर। सर एक असिस्टेंस का 2 स्कीम से प्रॉफिट ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते।
हाँ, अगर कंपोनेंट ही अलग अलग है और आपकी जो यूनिट है वो भी अलग है, एक आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए है तो दूसरी सीड प्रोडक्शन के लिए, तो ले सकते हैं फिर, लेकिन सेम यूनिट के लिए दो से नहीं ले सकते। टेस्ट सीरीज पेड लिया है तो लास्ट में नोट्स मिलेगा? बिल्कुल, टेस्ट सीरीज के अंदर डेफिनेटली मिलेगा सर। बोला यार रियली बेस्ट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, एंड माय ब्लेसिंग विल बी ऑलवेज विद यू, है ना। मैं भी यही चाहूंगा आप लोग बहुत आगे बढ़े, क्योंकि आप लोगों के बढ़ने से तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ना। मैं जहाँ पे हूँ आज सब आप ही लोगों की देन है यार। डिफरेंस बिटवीन FPO एंड JLG, आपने JGL लिख दिया है, JGL नहीं है, JLG है। पहले आप क्लियर कीजिए अपना क्वेश्चन। FPO इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, JLG इज जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप इज रिलेटेड टू लोन, एंड FPO इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और रिलेटेड टू CHC। लीडिंग स्टेट इन पाइनएप्पल प्रोडक्शन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सर, मेरी करंट अफेयर्स बुक को रेफर कीजिएगा, वहां पे मेंशन होगा। टेस्ट सीरीज वालों को हाँ मैंने बोल दिया मिलेगा। आई एम एक्स स्टूडेंट ऑफ ACC 2020 बट दिस टाइम आई हैवंट ज्वाइन, कैन आई गेट द लास्ट मिनट नोट्स? रोहन जी आई एम रियली सॉरी, आप इस साल ज्वाइन नहीं किया तो 999 तो आप हमें पे कर सकते थे, 999 इज नॉट अ बिग अमाउंट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि 45-50 हज़ार की जॉब के लिए कितना भी कोई, मतलब आपके लिए पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए, कितना भी कोई यार फाइनेंशियली पुअर हो 999 ऑफर कर सकता है, बिकॉज हम भी मेहनत करते हैं यार। हम हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होते हैं और रात के 10 बजे तक काम करते हैं, तो आई थिंक एक बंदे से अगर हम पढ़ा रहे हैं उसे 2 महीने के लिए, तो 999 तो हमारा हक बनता है यार। 500 रुपये एक महीने के तो आजकल ट्यूशन क्लासेस वाले ले लेते हैं। तो 999 का कोर्स बाय कीजिए सर, उसके अंदर लास्ट मिनट नोट सबको मिल जाएंगे। हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर? पेजेस ऑलमोस्ट 80-100 होंगे जी, 70-100 के बिटवीन होंगे। मतलब मैं बना रहा हूँ लास्ट मिनट नोट्स को, मैं 40 पेज के आसपास बना चुका हूँ, लेकिन 80 तक तो मैं ले ही जाऊंगा। टेस्ट सीरीज वालों के कोर्स में मैराथन क्लास मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भैया, क्यों मिलेगा? क्यों? टेस्ट सीरीज है ना वो, उसमें क्लासेस का कोई प्रोविजन नहीं है। आप जानबूझ के मतलब टाइम पास क्वेश्चन मत कीजिए, कुछ अच्छा डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर करूंगा, वरना मैं जाऊंगा सर, है ना। ठीक नहीं लगता सर ऐसे, आप खुद समझिएगा। 499 है, आप एक काम करिए मुझे बता दीजिए, इंडिया में कोई है जो 100 से ऊपर फुल लेंथ लेंथ टेस्ट दे रहा हो, इंग्लिश भी हिंदी भी, आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी? सर आप प्लीज बताइए, कोई दे रहा है क्या? प्राइस की बात बाद में करेंगे, इंग्लिश भी हिंदी भी एक्सप्लेनेशन भी और टेस्ट भी, एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर 100 से ऊपर कोई दे रहा है क्या? कोई सुन रहा होगा तो मेरी बात को चैलेंज ले लीजिए, देके दिखाइए, 100 से ऊपर फुल लेंथ टेस्ट एज पर द स्टैंडर्ड, करंट अफेयर्स इंक्लूड हो, नया पैटर्न इंक्लूड हो, क्वेश्चन की हिंदी भी हो, आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी, और देख के दिखा दे 500 के अंदर कोई। सर सर बहुत मेहनत लगती है सर, ऐसे ना करें सर, सब कुछ मत लीजिए कि ये भी दे दो वो भी दे दो। सर हमारा कॉस्ट आता है सर चीज़ों को बनाने पे, और हम सस्ते में करेंगे तो सस्ते के अंदर चीज़ें क्वालिटी वाइज ना ऐसे हो जाती हैं। वॉट इज लास्ट मिनट नोट्स? क्या होता है उसमें? समराइज होता है या कुछ? समराइज नहीं होता उसमें, कुछ इंपॉर्टेंट नई चीजें भी ऐड होती हैं और समरी भी होती है ऑफकोर्स, के बच्चा सारा कुछ पढ़ चुका है तो रिवाइज करेगा तो उसको बेनिफिट हो जाएगा उन चीजों से। फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या बोला यार, चला गया। हाँ सुख बराड़ साहब, इन लोगों को कौन समझाए यार, ये यही चीजें समझते नहीं है ना, और इसी चीजों से काइंड ऑफ अंदर से हम लोग परेशान हुए रहते हैं, है ना, कि 999 के अंदर कितना इंक्लूड कर देंगे यार। सब्सिडी पर एक क्विज दीजिए, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट कंसीडर हो गई आपकी, सब्सिडी पे कोशिश आज की, नहीं तो कल शाम को टेलीग्राम पे क्विज सबको मिल जाएगी। जनरल एग्रीकल्चर को न्यू ऑफलाइन कोर्स चंडीगढ़ में कब से स्टार्ट होगा? फरवरी से स्टार्ट होगा सर, 14 से 21 फरवरी के बीच। 14 फेब हमारा प्लान था, बट पॉसिबली हम उसे 21 फरवरी से करेंगे, बिकॉज 14 को हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, AFO का 21 फेब से ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। मुझे डर लगता है मेंस के लिए, डर वाले के लिए 5 बजे मेरा सेशन है शाम को, मैं वहां आपसे बात करने वाला हूँ। मधुरमय जी थैंक यू सो मच सर, मैं फुल AFO कोर्स ज्वाइन किया हूँ ऑनलाइन, क्या मुझे ऑफलाइन का में कुछ? हाँ मिलेगी सर, आप कॉन्टेक्ट कीजिए हेल्पलाइन पे। फॉरेस्ट रिपोर्ट लेटेस्ट वाला पढ़ना है ना? ऑफकोर्स यस, दोनों ही पढ़ना है सर, सेफ्टी के लिए दोनों पढ़ लीजिए, इतना इतना सा डेटा है, बच्चे बच्चे जितना, 5-5 लाइनें दोनों ही पढ़नी पड़ती हैं, क्यों कन्फ्यूज होते हैं, दोनों को पढ़िए ना यार। जनरल एग्रीकल्चर का न्यू ऑफलाइन कोर्स चंडीगढ़ में बोला 21 फेब से 21 फरवरी की, 21 फरवरी को, इतने दिन के कोर्स हैं सर ADO के, पता नहीं इतने दिन के कितने दिन, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ कमल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब आप। येलो कलर मिल्क ड्यू टू कैरोटिन और कैरोटिनोइड्स, सर दोनों में क्या डिफरेंस हुआ यार? वही तो है वो गंगाधरी शक्तिमान है भाई। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2 लाख। फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सी पढ़े? दोनों।
हाईएस्ट कॉटन प्रोडक्शन महाराष्ट्र है, पंजाब पंजाब तो हो ही नहीं सकता। आई विश कि मैंने पहले एसीसी ज्वाइन किया होता। कोई बात नहीं जैस्मिन, जैस्मिन मैम आपका मैम ही आप है ना सर, तो आप कैसे हो सकती हैं? आप जहाँ से भी हैं मैं आपके कमेंट्स बहुत बार देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने ज्वाइन किया नहीं उस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस स्टेज पे जो भी जो मेरे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में नहीं है, अपने आप को ना ये वाली चीज़ मत समझाइए कि अगर मैंने वो किया होता या ऐसा होता। मे बी आप मेरे लिए बोल रहे हैं, किसी नोट्स के लिए भी सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन अब मत समझाइए। अब ब्रेन को समझाइए, जो मेरे पास है जितने रिसोर्स मेरे पास है ना, मैं सिर्फ इनको ही पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, इसके अलावा और कुछ मत पढ़िएगा, वरना वो क्लैरिटी कम और कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा। एंड मुझे कभी कभी गुस्सा इन्हीं चीज़ों पर आता है, पता है क्या, एक वीडियो के लिए यूट्यूब हमें अच्छे व्यूज आएंगे तो 2-3 हज़ार रुपए दे देता है ना। लोग व्यूज के चक्कर में कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, और मैं इसीलिए गुस्सा हूं उस वीडियो पे, और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि क्यों कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिया। मुझे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, अपना कर रहे ना हर कोई यार, मैं अपना बिजनेस यस ऑफकोर्स है ना, पार्ट ऑफ बिजनेस है सर, ये पैसा लेना देना है ना, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं। लेकिन यार बच्चे को मिस गाइड क्यों करना है, ये बात बोल गई कट ऑफ 40 से ऊपर जाएगा। मुझे इसलिए बहुत चिढ़ा उस बात पे कि यार 2-3 हज़ार रुपए की वीडियो के चक्कर में जिसपे व्यूज आएंगे और लोग देखेंगे और आपको 2-3 हज़ार रुपए जेब के अंदर आ जाएंगे, उसके लिए कुछ भी बोल दो यार, नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे इस बात पर चिढ़ आती है ना। तो आप सब लोग जो सुन रहे हैं ना सर, ये ध्यान रखिए, आप सब लोग ना सुपीरियर लोग हैं सर। आप इस टाइम पे हाथ पैर मार रहे हैं ना, तो वो ये भगवान ना जिनको काबिल बनाता है ना, उन्हीं को हाथ पैर मारने काबिल बनाता है। अब यहाँ तक आए हैं ना, अगर आईपीएस फॉर्म भर के प्री क्वालिफाई करके आज पढ़ रहे हैं ना, आप काबिल हैं उसके। बस अपने आप में जितने रिसोर्सेज लेके बैठे हो उनको पढ़िए, आप होंगे क्वालिफाई। बस अच्छे रिसोर्स के साथ जाइएगा, परेशान मत होइए, आराम से ज्वाइन कीजिए सब कुछ है ना, मतलब ज्वाइन पढ़ाई कीजिए। ऐसे मत बोलिए अब जो लोग बोल रहे हैं मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया होता, नहीं 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 नहीं, आप सुपीरियर है। आप ऐसा मत सोचिए कुछ भी कि ज्वाइन किया होता तभी कुछ होगा, आप डेफिनेटली क्वालिफाई होंगे। अपने आप को विश्वास दिलाइए, आई कैन डू दिस। कैन यू प्लीज सजेस्ट मी सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट फॉर रिवीजन? सीक्वेंस तो देखो मेजर सब्जेक्ट से चलेगा, एग्रोनॉमी, सॉयल, होटी, एनिमल हस्बेंड्री, देन करंट अफेयर, सब्सिडी, नाबार्ड नॉर्म्स, फिर आपका एंटो पैथो, फिर आपका सेरिकल्चर, एपिकल्चर, लैक कल्चर, बस, क्योंकि फॉरेस्ट्री इंजीनियरिंग बीच में आ जाएगा भाई, है ना। इकोनॉमिक एक्सटेंशन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, इंटरव्यू का प्रैक्टिस मिलेगा? हाँ अलग से हम देंगे ना, 499 में या जितने में भी देंगे, बट देंगे सबको देंगे, फ्री में नहीं देंगे, वो इतनी सी बात, क्योंकि अच्छे टीचर को हायर करेंगे, खुद तो नहीं करूंगा ना सब कुछ, है ना। तो जो मॉक इंटरव्यू के अंदर आके बैठेगा ना, अच्छा बदला होगा तो पैसे लेगा, तो इसलिए फ्री नहीं दूंगा, थोड़ा सा पेमेंट चार्ज करूंगा लेकिन दूंगा सब लोगों को। मैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में हूँ, एफओ की प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ, मुझे कैसे स्टार्ट करना है मुझे गाइड कीजिए। सर जनरल एग्रीकल्चर से स्टार्ट कर लीजिए, वो पढ़िए, उसके बाद एग्रोनॉमी सॉइल को पढ़िए, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। How to get 999 course? Download our app. It's Agri Coaching Chandigarh, available on Play Store. You can buy from the paid course section. Just download the app first. You will come to know about everything. 399 notes or test series both milega. 399 में तो कोई भी course नहीं है हमारा. 499 के अंदर है. Hotel आपको पूजा में मैं काम और करता हूँ. आप इस टाइम पे पूछ रही है ना, 499 के अंदर लीजिए. मैं recorded class के अंदर बोल रहा हूँ. मैं आपको 1000 rupees वापस कर दूँगा अगर आप एफिशिएंटली इतने दिनों के अंदर मेरे सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लें तो। बिकॉज क्वांटिटी मत देखिए, है ना, कि मेरे को नोट्स भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी। हमने टेस्ट में इतना कुछ ऐड किया है ना, इतने नए क्वेश्चन अलोंग विद एक्सप्लेनेशन है वहां पे, आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। आप अगले 8 दिनों में हमारे टेस्ट नहीं दे पाएंगे, नोट्स की तो बात ही नहीं है। अगर दे पाए 29 तारीख कॉल कर लेना, रिकॉर्ड कर लिया होगा आप, रिकॉर्ड तो यूट्यूब ऑटोमेटिक कर रहा है ना, मैं आपको रिफंड कर दूंगा डबल, वो भी अगर आप एफिशिएंटली कर पाए। मुझे पता नहीं कि 4 से ऊपर आप कर नहीं सकती है, 8 दिन के अंदर 40 टेस्ट मैक्सिमम, वहां पे तो 100 से ऊपर पड़े हुए हैं, तो नोट से ज्यादा तो वो दे देंगे आपको। कैन वी स्किप इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन पार्ट? यस शालू मैम आप स्किप कर सकती है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ गया गलती से तो मैं कह नहीं सकता, बट नहीं आएगा। हाउ मेनी टेस्ट आर देयर इन द टेस्ट सीरीज? ऑलमोस्ट 100 टेस्ट है वहां पे, फुल लेंथ टेस्ट। फ्री क्विजेस 200 है, लेकिन वो सबके लिए है, लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर 100 टेस्ट है। केसीसी लोन लिमिट फॉर फिशरीज, मैंने पहले बोल दिया 2 लाख यार। आपका नाम है थोड़ा सा नहीं बड़ा, रियली सॉरी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट सर आई ऑलरेडी सेड इट्स 2 लाख। पीडीएफ दे दीजिएगा सर, डेफिनेटली मेरे को जाने दो यहाँ से, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। फिर क्या बोला गया, IPS FO मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सर? 50-60 मत मार गया ना, 50-52-53 तक, जिसा जैसा पेपर का लेवल हो उस हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। ICAR UG कोर्सेज जब स्टार्ट करेंगे तो हम इन्फॉर्म करेंगे, हाल फिलहाल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मार्च के अंदर स्टार्ट करेंगे।
टीए का नोट्स कितने का है, टीए के नोट्स नहीं दे रहे, वैकेंसी को आने दीजिए पहले। आपकी एफर्ट हमारे अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, सो थैंक यू, मोस्ट वेलकम चंदन जायसवाल जी। उदित भारद्वाज जी कहते हैं एफओ प्री एंड मेंस कोर्स कब लॉन्च होगा? फरवरी में सर। आपके ओके, एफओ कोर्स कब? फरवरी के अंदर सर। कैन वी स्किप स्टैट एंड मेट्रो? ओ भाई, क्या तुम एफओ की तैयारी कर रहे हो यार? आप देखो ऐसा मत करो यार, मैंने बोला कि तुम सब लोग सेलेक्ट होने वाले हो, तुम लोग यार लिख रहे हो कि एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स स्किप कर दें, अब कोई कह रहा है स्टैट को कर दें। ओ भाई, स्टैट से कब से क्वेश्चन आते, तू स्टैट पढ़ रहे एफओ के लिए? फिर तो तुझे सच में मेरा कोर्स लेना चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि मेरे कोर्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, सेल्फ स्टडी से बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर स्टैट का भी डाउट पूछ रहे हैं तो भाई साहब कोर्स लीजिए हमारा, फिर आपको जरूरत है हमारे कोर्स की, हम एफिशिएंट बंदे हैं। फिर आपको पहले बताएंगे पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना, पहले ही दिन हम ये वाली बातें करते हैं कि क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टैट पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ है भाई साहब, फिर आइए प्लीज़ कोर्स लीजिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एडीओ और अरुणाचल प्रदेश के टेस्ट पेपर अलग होता है क्या? यस, अलग से होता है सर। हाँ बिल्कुल सर, आपका प्रिपरेशन, आप प्री का प्रिपरेशन कराते हैं एएफओ का? एग्री फैक्ट सर मैं करवाता हूँ सर, मैं आज शाम को स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ। इंग्लिश में लोगों के बच्चे रहते हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश में 20-20 नंबर, 43 स्टूडेंट के 20 नंबर हैं 25 में से हमारे, 43 स्टूडेंट, बड़ा नंबर है ये, है ना 43, पता नहीं कितने आपको पता होगा, 20 नंबर से ऊपर, 18 से ऊपर, 20 नहीं एक्चुअली, किसी का 19 पॉइंट समथिंग, किसी का 20, किसी का 18 से ऊपर ऊपर है, लोग 5-5 नहीं स्कोर कर पाते हैं, तो सर बहुत अच्छे से करवाते हैं। चलो ठीक है, अब मैंने बहुत 10 मिनट बोल के ना कितने सारे आंसर कर दिए हैं। एएफओ की हिंदी बुक मार्च में आएंगी, नबार्ड की वैकेंसी आने के चांसेस कब तक है? अप्रैल के अंदर। एसबीआई एएफओ कब आएगी? एसबीआई एएफओ नहीं देता है सर। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। और कुछ जल्दी से लिख दो, एनी अपडेट ऑन आईपीएस एएफओ? यस, अपडेट इज देयर ऑलरेडी, दे हैव रिलीज द कैलेंडर फॉर नेक्स्ट ईयर एंड फॉर दिस ईयर, पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 30th of January। ओके बाय, ठीक है भावना मैम, बाय बाय, जाइए पढ़ाई कीजिए, हमारा तो काम है ना, हमें यहाँ पे लगे रहना पड़ता है। WO राजस्थान बुक कब आएगी? ऑलरेडी आ चुकी है, एग्री कोचिंग जयपुर और गंगानगर में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बता देंगे आपको। प्री में ओनली इंग्लिश ही अच्छी करवाते हैं या मैथ्स और रीजनिंग भी करवाएंगे? भैया पहले आपको इंग्लिश ही करवाएंगे, क्योंकि आपने रीजनिंग की स्पेलिंग REGIONI लिख दिया है, तो पहले इंग्लिश ही करवाएंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग भी करवाते हैं सर। क्वांट के अंदर भी हमारे बच्चे के 42 मार्क्स हैं, 42 out of 50, कहो तो उसका भी स्क्रीनशॉट दूंगा, बट क्वांट और रीजनिंग मोस्ट लोग क्वालिफाई है, इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वरना सर पूरा करवाते हैं। IBPS AFO की वैकेंसी कब तक आएगी? वैकेंसी तो सर अक्टूबर के बाद आएगी अब। ओके ठीक है ना, थैंक यू, लीव करता हूँ हाल फिलहाल के लिए, फिर से मिलूंगा आपको, आज नहीं, हमारा जो MCQs वाला सेशन है वो कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा फिर से आ जाएगा आपके सामने। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद को विश्वास दिलाते रहिए कि आप इस बार AFO क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज खुद को विश्वास दिलाएंगे तभी तो सेलेक्ट होंगे। यहाँ वहाँ मत पढ़िएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, मेरे जैसे लोगों की बातें मत मानिएगा, क्योंकि मेरे जैसे लोग ना 2000 रुपये यूट्यूब से लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं आके, तो अनाप शनाप बातें मत सुनिए, सिर्फ अपने काम की बातें सुनिए, बिकॉज कहते हैं ना विकल्प बहुत मिलेंगी राह भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, जय हिंद जय भारत।